नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है सिम्बा और ये मूवी आपको किसी रोटी प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सिम्बा 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर्स द्वारा रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है। शेट्टी एक बायो कॉम्यूनिवर्स के तरफ में रणवीर सिंह, सोनू सूद और तारा अली खान और अजय देवगन की कैमियो भूमिका निभा सिंघम की अपनी भूमिका दोहराते हैं। 2015 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक ये फिल्म संग्राम सिम्बा भोलेवर राम आधारित थे। ये सिंघम के ही शहर का रहने वाला भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने करीबी लोगों पर त्रासदी के बाद अपने धर्म पर रास्ते के चलने के लिए मजबूर होता है। मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोल्हापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शूट की गई। बाकी की शूटिंग हैदराबाद, मुंबई में हेदम्बू की गई थी। शूटिंग के उसी वर्ष दिसंबर में शुरुआत में पूरी कर ली गई थी। फिल्म के साउंड ट्रैक तनिष्क बागची, दिली लिजी, जॉर्ज जीजी, तेनिस और एस थामंदर तैयार किया गया था, जबकि गीत संगीत अहमद रश्मि बीरा कुमार और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक में 1996 में दो गाने रिमेक आँख मारे मूल रूप से फिल्म के तेरे मेरे सपने और नुसरत फतेह अली खान के कला कबाली गाने तेरे बिन सिम्बा को 27 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग विश्वविद्यालय के देश में रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत में क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट और दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन ये 2018 में सिंह के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शुरुआत फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई की, जो अब तक की 25 भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया विपणन के स्लाइस अवार्ड मिला। खंगरव सिम्बा भालेरा और रामवीर सिंह शिवगर का एक वीर विरोधी अनाथ वही साहसिंदा बाजीराव के सिंघम का पालन पोषण हुआ था, जहाँ देखता है कि पुलिस का रिश्वत के रूप में पैसा के कमाते वो ये पता चलता है। उन्होंने खुद एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया और सफल हुए। कुछ स्थानीय चोरे और एक जोहरी से रिश्वत लेने के सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। सिम्बा को जल्द ही गृहमंत्री विनायक ठेकेदार के द्वारा गंभीर रूप से मिर्दार स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां वो सासून ठाणे सारा अली खान के देखता है। पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। वो अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसके एक कनिष्ठ निबंधक मोहिल आशुतोष राणा, जो एक ईमानदार कांस्टेबल है, सिम्बा को सलाम करने की झिझकता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। सिमियासत में अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहादुरवा नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए गए जा रहे थे। वो पार्टी में बाधा डालता है। बैंकशत रानाडे, सोनू सूद के भाई सदाशिव सदा रानाडे, अमृतलाल सिंह और गौरव सिंह के अन्य सौरभ शुक्ला है, उनके अभी पैसे की मांग करते हैं, जिसके वादा करते हैं वो उन्हें उनके अवैध गतिविधियों को जारी रखना देता है। दुर्बा सहमत हो जाते हैं और बामन राव तालफारे नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि के मुक्त करने के लिए सिम्बा का उपयोग करते हैं, जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच सिम्बा कई महिलाओं पर लड़कियों के साथ मृत और बहन जैसे संबंध विकसित करता है, जिसने एक आकृति देवी बेहदी
श्रीराम के होते हैं, जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपनी शिक्षा की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने बम में अवैध दबाव के कारोबार करने के बच्चों को तस्करी के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करते हैं। ध्रुवा द्वारा मनाए जाते हैं बाद सिम्बा शुरू में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इस बीच शगुन की उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच और ग्लोब के ड्रग्स टेकर के बारे में पता चलता है कि वो एक रात छोदू नाम के मूक लड़के हैं जो उसके छात्र जो साथ जहां रहती है। वो पुलिस को सबूत दिखाने के लिए उसके सेल फोन से बाहर हर चीज़ का वीडियो टेप करती है, लेकिन सदा द्वारा पकड़ लिया जाता है। छोदू ने सदा और मिगीवी को वकृति पर हमला करते हुए चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया है और का एहसास होता है कि भाग्य सदा और गिरी एक आकृति के साथ बेहरमी से बलात्कार किया। छोटू आकृति की दोस्त काव्या नेहा महाजन के आकृति के खतरे से में होने के बारे बताती है, कोशिश करता है। दुर्गा के गुंडे द्वारा पीछा किया जाने के काव्या आकृति की गुम सुदगी शिकायत दर्ज करने के लिए सिम्बा के पास जाती है। आकृति अस्पताल में घायल अवस्था में पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है जिससे वो टूट जाता है। पुलिस आकृति का फोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो महारत कर लेते हैं। वो दुर्वा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है अपने तरीकों के सुधारने और उन सभी को लड़ता है। सिम्बा अंततः अपनी पुलिस का वर्दी पहनता है और उसे इस बदलाव के देखकर मोहित अंततः उसे सलाम करता है क्योंकि वे सदा और गिरी को गिरफ्तार करते हैं। वो वामन द्वारा उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे छनी गई जमीन वापस कर देता है। अदालत में सिम्बा आकृति का वीडियो डिलीट होने के दौरान जाती है और इससे दुर्गा के दोस्त कॉर्पोरेटिंग वेडिंग कमरून बिजनेस शर्मा के पिटाई की जिसने अदालत में गलत बयान दिया था जिसके कारण उसे निलंबित कर दिया गया। वो जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाते हैं। वो उन दोनों को गोली मार देता है और ऐसा दिखाते हैं कि उसने आत्महत्या के कार्यों में उन्हें मार डाल। राज्य द्वारा एक SIT समिति के गठन किया जाता है जो सिम्बा को एनकाउंटर कर सवाल उठाते हैं। स्थिति को स्पष्ट के उद्देश्यों से विनायक आकृति के मामले साथ ही सिम्बा के विवाद फर्स्ट मुठभेड़ के मामले के लिए एक तटस्थ अधिकारी के नियुक्त करता है और क्रोधित होकर दुबार उसके गुंडे सिम्बा को पकड़ लेते हैं। अचानक ने DCP बाई इराजो के सिंह अजय देवगन उसे बचाने के लिए आता है और दोनों को दुर्बा और उसके लोगों ने पिटाई की। सिंघम सिम्बा को बचाते हैं और वो उसके मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त तटस्थ अधिकारी है और बयान देता है कि सिम्बा ने आत्महत्या के कार्य में राशिफ और गौरव को मार डाला है। और उसके बाद वो दुर्बा की माँ को भारतीय की बर्फबंदी को स्वयं दुबे की भर जाती है और वे राशिफ ने आकृति पर हमला था भाई ड्रग ने टेकर और कई वीडियो को चलाते हैं। मैं फिल्म देख खुद को मार डालूंगा लेकिन ये उतना बुरा नहीं था जिसमें मैंने चुना था। मैंने उसी सुनील गोबर से बहुत उम्मीद थी कि वो फिल्म को अधिकांश भाग में उस पर देखने हुआस के झा ने फिल्म को 5/5 रेटिंग तो लिखा काफ़ी बिड दी एक अधूरे प्रोत्साहित असंसाहित के तहत है जो उसका था। ये भारत के सबसे बड़े भगौड़े और सबसे भरफेल पक्षपात के ये मनोरंजन पत्र था। आकाश इसे हास्यस्पष्ट के गोद में कूदने के लिए और अधिक जगह की अनुमति दी गई होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने इसे 5 रेटिंग देते हुए लिखा कि उसे दाऊद इब्राहिम के कहीम के कहते हुए साहित्य प्रयास के इसने कई सहित नहीं है लेकिन क्या ये सफल प्रयास है मुश्किल है। Fallywood.com ने फिल्म को 1.5/5 रेटिंग देते हुए कहा कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल व्यक्तित्व के अंडरवर्ल्ड अपहरण के स्पष्ट रूप में गलत व्याख्या के अलावा D संस्करण के सार और गहराई के अभाव में हालांकि जाकिर हुसैन की भावना संतोषजनक है लेकिन चरित्र विकास चाहिए पर्याप्त रूप से सहसित है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के बारे में बहुत कम शोध किया गया। यदि आप लगभग 3 दशकों की हिट सूची में शामिल किसी घुपिट जॉन के कुछ कठिन प्रश्नों पूछते हैं तो उसे डिकोड करने जा रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग और भावना को ठीक करने की आवश्यकता हो सुनाती है। सबसे बजाय निर्देशक विशाल मिश्रा दिखा दे कैसे उन्हें डी का मूल्यांकन करने का कोई दिलचस्पी नहीं है और कैसे वह गिरोह का राष्ट्रों को अपमानित करने का नफरत करते हैं। कर कोई मुई की फिल्म को 1.5 का रेटिंग दी थी और लिखा कि काफ़ी बीट डी शर्ती से है लौटने योग्य है। इस पर अपना पैसा बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित बस ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए लिखा कि ये कैरन किरच के डी और उसके हरकतों खराब साउंड डिजाइनों के साथ काफ़ी बीट डी के अंत में कभी नहीं होगा। ये एक मज़ेदार फिल्म की शक्ति है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इसे 1.5 की 5 रेटिंग देती और लिखा उसके बजाय कुचिंग को कैपुचिंग पर अपना पैसा खर्च करें और अपने मस्तिष्क की कोशिशों के बचाएं। Rediff.com ने भी इसे 1.5 की रेटिंग देते लिखा कि काफ़ी बीत की कथानक
खराब नहीं है, लेकिन ये बेहतर ऑन स्क्रीन अनुवाद के साथ काम करना है। जो बात फिल्म को निराश करते हैं वो इसके सैम को के खाली घर में खबर बरपाया। सुनील घर जब सैम ने बच्ची को अपने घर में कुछ सामान के साथ देखा तो उसे अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के संदेह हो गया। इसमें मिट्टू को पकड़ लिया और उसके दम घोटकर मार डाला। कमल भागने में सफल होता, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सैम मिट्टू गला घोटकर मारने की कोशिश करता है तो वो चट्टान लेकर वापस आता है और सैम पर जोर से प्रहार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम खींचकर स्कूल मास्टर के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैम के रूप में श्वेता त्रिपाठी, छात्रा संध्या की पत्नी सुनीता के रूप में त्रिपाठी अंधकारी, अलीगढ़ में श्रियाक्षान संध्या के पिता प्रेमिका, हमारा खोर के साउंडट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किदरे जवान, जिसमें सैसविल जजे ने संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें अवोल आदित्य शर्मा लिखे थे। न्यूज 18 के जजे मसद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी आयदा हुआ है, जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन है। ऐसा त्रिपाठी ने मुहित उपनेश युवा के किशोरी के रूप में अच्छी फार्म में है, जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है, लेकिन यह नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज़्यादातर समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ध्येय ताकत है, तो उसे फिल्म के रोहित बंस ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे उस तोरण धार पर चलाती है एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस नहीं करना चाहिए, भले ही सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा की किस तरह कुशलता के साथ एक नए विषय की खोज कर रहे होते। और फिल्म को 5.5 रेटिंग दी और सुचित विजय ने इसने मयंक भारत का फिल्म को 10 में से 7 रेटिंग दी और भारत को अभिनेताओं के प्रदर्शन के आकर्षित बताते हुए उनकी प्रशंसा की, लेकिन कहा कथानक के निरस होने के प्रवृत्ति होने के एक व्यवसाय की श्रृंखला में राहत ने कहा कि वो भारत वापस आए वो यहाँ योगदान देना चाहते थे, उन्हें ये घर जैसा महसूस नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले दिन विक्की के मंगेतर निवेदा निवी सिंह ने बीच खींची समझौता होती और वो उस पर कायर होने के हिंसा को में शामिल होने के आरोप लगाते हैं। क्रोधित विक्की ने निवी को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे निवी के पिता ज्ञान सिंह जो भगवत राजनीति दल के नेता है, जब फोन आता है वो विक्की को चंदन से छुटकारा पाने की सलाह देता है, लेकिन विक्की का तर्क है कि चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ ज्ञान सिंह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को बुला ता है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है। ज्ञान सिंह को अगली बार निकी फोन करता है और कुछ समझौता की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी के लिए रजनी सुपरती लेकिन फ़ोन देख लेते हैं, उस गुस्से में उसकी तस्वीर तोड़ देता है। चंदन ने विक्की को फ़ोन किया और बताया कि वो विक्की के फार्म हाउस पर है और थोड़ी देर के लिए सो रहा है। जी जॉर्ज जीजी टेनिस और एस थामंदर तैयार किया गया था, जबकि गीत संगीत अहमद रश्मि बीराग कुमार और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक में 1996 में दो गाने रिमेक आँख मारे मूल रूप से फिल्म के तेरे मेरे सपने और नुसरत फतेह अली खान के कला का बाली गाने तेरे बिन सिम्बा को 27 से 18 को खाड़ी सहयोग विश्वविरसित के देश में रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट और दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन ये 2018 में सिंह के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआत फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई की, जो अब तक की 25 भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय के स्लाइस अवार्ड मिला। खंगरव सिम्बा भालरा और रामवीर सिंह शिवगर का एक वीर विरोधी अनाथ वही साहसिंदा बाजीराव के सिंघम का पालन पोषण हुआ था, जहां वो देखता है कि पुलिस का रिश्वत के रूप में पैसा के कमाते वो ये पता चलता है उन्होंने खुद एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया और सफल हुए। कुछ स्थानीय चोरे और एक जोहरी से रिश्वत लेने के सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। सिम्बा को जल्द ही गृह मंत्री विनायक ठेकेदार के द्वारा गंभीर रूप से मिर्दार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां वो सासून ठाणे सारा अली खान के देखता है। पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। वो अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसके एक कनिष्ठ निबंधक मोहिल आशुतोष राणा जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने की झिझकता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। सिमिरासत में अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहादुरबा नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए गए जा रहे होते हैं। वो पार्टी में बाधा डालता है। रानाडे सोनू सूद के भाई सदाशिव सदा रानाडे अमृतलाल सिंह और गौरव सिंह के अन्य सौरभ शुक्ला है उनके अभी पैसे की मांग करते हैं, जिसके वादा करते हैं वो उन्हें उनके अवैध गतिविधियों को जारी रखना देता है। दुर्बा सहमत हो जाते हैं और बामन राव तालफारे नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि के मुक्त करने के लिए सिम्बा का उपयोग करते हैं, जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच सिम्बा कई महिलाओं पर लड़कियों के साथ मृत और बहन जैसे संबंध विकसित करता है, जिसने एक आकृति देवी बेहदी
मुशीराम के होते हैं, जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपनी शिक्षा की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने बम में अवैध दबाव के कारोबार करने के बच्चों को तस्करी के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करते हैं। ध्रुवा द्वारा मनाए जाते हैं बाद सिम्बा शुरू में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इस बीच शगुन की उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच और ब्लॉब के ड्रग्स टेकर के बारे में पता चलता है कि वो एक रात छोदू नाम के मूक लड़के हैं जो उसके छात्र जो साथ जहां रहती है। वो पुलिस को सबूत दिखाने के लिए उसके सेल फोन से बाहर हर चीज़ का वीडियो टेप करती है, लेकिन सदा द्वारा पकड़ लिया जाता है। छोदू ने सदा और मिगी को आकृति पर हमला करते हुए चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया है और दोनों का एहसास होता है कि भाग्य सदा और गिरी एक आकृति के साथ बेहरमी से बलात्कार किया। छोटू आकृति की दोस्त काव्या नेहा महाजन के आकृति के खतरे से में होने के बारे बताती है, कोशिश करता है। दुर्गा के गुंडे द्वारा पीछा किया जाने के काव्या आकृति की गुम सुधी शिकायत दर्ज करने के लिए सिम्बा के पास जाती है। आकृति अस्पताल में घायल अवस्था में पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है जिससे वो टूट जाता है। पुलिस आकृति का फोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो महारत कर लेते हैं। वो दुर्वा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है अपने तरीकों के सुधारने और उन सभी को लड़ता है। सिम्बा अंततः अपनी पुलिस का वर्दी पहनता है और उसे इस बदलाव के देखकर मोहित अंततः उसे सलाम करता है क्योंकि वे सदा और गिरी को गिरफ्तार करते हैं। वो वामन द्वारा उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे छनी गई जमीन वापस कर देता है। अदालत में सिम्बा आकृति का वीडियो डिलीट होने के दौरान जाती है और इससे दुर्गा के दोस्त कॉर्पोरेटिंग वेडिंग कमरून बिजनेस शर्मा के पिटाई की जिसने अदालत में गलत बयान दिया था जिसने कारण उसे निवृत्त कर दिया गया। वो जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाते हैं। वो उन दोनों को गोली मार देता है और ऐसा दिखाते हैं कि उसने आत्महत्या के कार्यों में उन्हें मार डाल। राज्य द्वारा एक SIT समिति के गठन किया जाता है जो सिम्बा को एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाते हैं। स्थिति को स्पष्ट के उद्देश्यों से विनायक आकृति के मामले साथ ही सिम्बा के विवाद फर्स्ट मुठभेड़ के मारने के लिए एक तटस्थ अधिकारी के नियुक्त करता है और क्रोधित होकर दुबार उसके गुंडे सिम्बा को पकड़ लेते हैं। अचानक DCP बाई इराजो के सिंह अजय देवगन उसे बचाने के लिए आता है और दोनों को दुर्बा और उसके लोगों ने पिटाई की। सिंघम सिम्बा को बचाते हैं और वो उसके मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त तटस्थ अधिकारी है और बयान देता है कि सिम्बा ने आत्महत्या के कार्य में सदाशिव और गौरव को मार डाला है। और उसके बाद वो दुर्बा की माँ को भारतीय शिक्षा सेना की बंदी को स्वयं दुबे को भर जाती है और वे सदाशिव ने आकृति पर हमला था भाई ड्रग ने टेकर और कई वीडियो को चलाते हैं। मैं फिल्म देख खुद को मार डालूंगा लेकिन ये उतना बुरा नहीं था जिसमें मैंने चुना था। मैंने उसी सुनील गोबर से बहुत उम्मीद थी कि वो फिल्म को अधिकांश भाग में उस पर देखने हुआ। उसके झा ने फिल्म को 5/5 रेटिंग तेलिका काफ़ी वृद्ध दी। एक अधूरे प्रोत्साहित असंसाहित के तहत है जो उसका था। ये भारत के सबसे बड़े भगौड़े और सबसे भरफेल पक्षपात के ये भी मनोरंजन पत्र था। आकाश इसे हास्यस्पष्ट के गोद में कूदने के लिए और अधिक जगह की अनुमति दी गई होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इसे 5 रेटिंग देते हुए लिखा कि इसे दाऊद इब्राहिम के कविम के कहते हुए साहित्य प्रयास के इसने कई सहित नहीं है लेकिन क्या ये सफल प्रयास है मुश्किल है। Fallywood.com ने फिल्म को 1.5/5 रेटिंग देते हुए कहा कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल व्यक्तित्व के अंडरवर्ल्ड अपहरण के स्पष्ट रूप में गलत व्याख्या के अलावा CWD के डी संस्करण के सार और गहराई के अभाव में। हालांकि जाकिर हुसैन की भावना संतोषजनक है लेकिन चरित्र विकास चाहिए पर्याप्त रूप से सहसित है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के बारे में बहुत कम शोध किया गया। यदि आप लगभग 3 देशों की झीट सूची में शामिल किसी घुपिट जॉन के कुछ कठिन प्रश्नों पूछते हैं तो उसे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग और भावना को ठीक करने की आवश्यकता हो सुनाती है। सबसे बजाय निदेशक विशाल मिश्रा दिखा दे कैसे उन्हें डी का मूल्यांकन करने का कोई दिलचस्पी नहीं है और कैसे वह गिरोह का राष्ट्रों को अपमानित करने का नफरत करते हैं। कर कोई मई की फिल्म को 1.5 की रेटिंग देती और लिखा कि काफ़ी बीडी शर्ती से है लौटने योग्य है। इस पर अपना पैसा बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित बस ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए लिखा कि ये कैरन किरच के डी और उसके हरकतों खराब साउंड डिजाइनों के साथ काफ़ी बीट डी के अंत में कभी नहीं होगा। ये एक मज़ेदार फिल्म की शक्ति है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इसे 1.5 की 5 रेटिंग देती है और लिखा उसके बजाय कुछ को कैपुचिंग पर अपना
पैसा खर्च करें और अपने मस्तिष्क की कोशिशाओं के बचाएं। Rediff.com ने भी इसे 1.5 की रेटिंग देते लिखा कि काफ़ी वित्तीय की कथानक खराब नहीं है, लेकिन ये बेहतर ऑन स्क्रीन अनुवाद के साथ काम करना है। जो बात फिल्म को निराश करते हैं वो इसके सैम को के खाली घर में खबर बरपाया सुनील घर। जब सैम ने बच्ची को अपने घर में कुछ सामान के साथ देखा तो उसे अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के संदेह हो गया। इसमें मिट्टू को पकड़ लिया और उसके दम घोटकर मार डाला। कमल भागने में सफल होता, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सैम मिट्टू का गला घोटकर मारने की कोशिश करता है तो वो चट्टान लेकर वापस आता है और सैम पर जोर से प्रहार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम खींचकर स्कूल मास्टर के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैम के रूप में श्वेता त्रिपाठी, छात्रा संध्या की पत्नी सुनीता के रूप में त्रिपाठी अंधकारी, अलगोरू में श्रियाक्षान, संध्या के पिता प्रेमिका, हमारा खोर के साउंडट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किधर जवान, जिसमें सेसफिल जजन ने संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें वो आदित्य शर्मा लिखे थे। न्यूज 18 के जजिम मसद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी आयदा हुआ है, जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन है। ऐसा त्रिपाठी ने मुहित उपनेश युवा के किशोरी के रूप में अच्छी फार्म में है, जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है, लेकिन ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज़्यादा समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ध्येय ताकत है, तो उसे फिल्म के रोहित बंस ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे उस तोरण धार पर चलाती है, एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस ये नहीं करना चाहिए, भले ही भी सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा की किस तरह कुशलता के साथ एक नए विषय की खोज कर रहे होते। और फिल्म को 5.5 रेटिंग दी और सुचित विजय ने इसने मयंक भारत का फिल्म का 10 में से 7 रेटिंग दी और भारणा को अभिनेताओं के प्रदर्शन की आकर्षित बताते हुए उनकी प्रशंसा की, लेकिन कहा कथानक के निरस होने के वृत्ति होने के एक व्यवसाय की श्रृंखला में राहत ने कहा कि वो भारत वापस आए, वो यहाँ योगदान देना चाहते थे, उन्हें घर जैसा महसूस नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले दिन विक्की के मंगेतर निवेदिता निवी सिंह ने बीच खींची समझौता होती और वो उस पर कायर होने के हिंसा को में शामिल होने के आरोप लगाते हैं। क्रोधित विक्की ने निवी को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे निवी के पिता ज्ञान सिंह, जो भंगवत राजनीति दल के नेता है, जब फोन आता है वो विक्की को चंदन से छुटकारा पाने की सलाह देता है, लेकिन विक्की का तर्क है कि चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ है। ज्ञान सिंह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को बुला ता है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है। ज्ञान सिंह को अगली बार निवी फोन करता है और कुछ समझौता की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी के लिए रजनी सुपुर्द, लेकिन फ़ोन देख लेते और गुस्से में उसकी तस्वीर तोड़ देता। चंदन ने विक्की को फ़ोन किया और बताया कि वो विक्की के स्वर माउस पर है और थोड़ी देर के लिए सो रहा है। जी जॉर्ज जीजी टेनिस और एस थामंदर तैयार किया गया था, जबकि गीत संगीत अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक में 1996 में दो गाने रिमेक आँख मारे मूल रूप से फिल्म के तेरे मेरे सपने और नुसरत फतेह अली खान के कलाब का बाली गाने तेरे बिन सिम्बा को 27 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग विश्व विरसित के देश में रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट और दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन ये 2018 में सिंह के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआत फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई की, जो अब तक की 25 भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया विपिल्स के स्लाइस अवार्ड मिला। खंगरव सिम्बा भालरा और रामवीर सिंह शिवगर का एक वीर विरोधी अनाथ वही साहसिंदा बाजीराव के सिंघम का पालन पोषण हुआ था, जहां वो देखता है कि पुलिस का रिश्वत के रूप में पैसा के कमाते वो ये पता चलता है। उन्होंने खुद एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया और सफल हुए। कुछ स्थानीय चोरे और एक जोड़ी से रिश्वत लेने के सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। सिम्बा को जल्द ही गृहमंत्री विनायक ठेकेदार के द्वारा गंभीर रूप से मिर्दार स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां वो सासून ठाने सारा अली खान के देखता है। पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। वो अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसके एक कनिष्ठ निबंधक मोहिल आशुतोष राणा, जो एक ईमानदार कांस्टेबल है, सिम्बा को सलाम करने की झिझकता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। विरासत में अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहादुरबा नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए गए जा रहे थे। वो पार्टी में बाधा डालता है।
रानाडे सोनू सूद के भाई सदाशिव सदास रानाडे अमृतलाल सिंह और गौरव सिंह के अन्य सौरभ शुक्ला है। उनके अभी पैसे की मांग करते हैं जिसके वादा करते हैं वो उन्हें उनके अवैध गतिविधियों को जारी रखना देता है। दुर्बा सहमत हो जाते हैं और बामन राव उन तालफारे नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि के मुक्त करने के लिए सिम्बा का उपयोग करते हैं जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच सिम्बा कई महिलाओं पर लड़कियों के साथ मृत और बहन जैसे संबंध विकसित करता है जिसने एक आकृति देवी बेहदी परमुशुराम के होते हैं जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपनी शिक्षा की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने बम में अवैध दबाव के कारोबार करने के बच्चों को तस्करी के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करते हैं। दुर्बा द्वारा मनाए जाते हैं बाद सिम्बा शुरू में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इस बीच शगुन की उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच और ब्लॉब के ड्रग्स टेकर के बारे में पता चलता है कि वो एक रात छोदू नाम के मूक लड़के हैं जो उसके छात्र जो साथ जहां रहती है वो पुलिस को सबूत दिखाने के लिए उसके सेल फोन से बाहर हर चीज़ का वीडियो टेप करती है लेकिन सदा द्वारा पकड़ लिया जाता है। छोदू ने सदा और मिगी को वकृति पर हमला करते हुए चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया है और दोनों का एहसास होता है कि भाग्य सदा और गिरी एक आकृति के साथ बेहरमी से बलात्कार किया। छोटू आकृति की दोस्त काव्य नेहा महाजन के आकृति के खतरे से में होने के बारे बताती है कोशिश करता है। दुर्बा की गुंडे द्वारा पीछा किया जाने के काव्य आकृति की गुम सुधी शिकायत दर्ज करने के लिए सिम्बा के पास जाती है। आकृति अस्पताल में घायल अवस्था में पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है जिससे वो टूट जाता है। पुलिस आकृति का फोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो महारत कर लेते हैं। वो दुर्बा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है अपने तरीकों के सुधारने और उन सभी को लड़ता है। सिम्बा अंततः अपनी पुलिस का वर्दी पहनता है और उसे इस बदलाव के देखकर मोहित अंततः उसे सलाम करता है क्योंकि वे सदा और गिरी को गिरफ्तार करते हैं। वो बामन द्वारा उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे छनी गई जमीन वापस कर देता है। अदालत में सिम्बा आकृति का वीडियो डिलीट होने के दौरान जाती है और इससे दुर्गा के दोस्त कॉर्पोरेटिंग वेडिंग कमरून बिजनेस शर्मा के पिटाई की जिसने अदालत में गलत बयान दिया था जिसने कारण उसे निवृत्त कर दिया गया। वो जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाते हैं। वो उन दोनों को गोली मार देता है और ऐसा दिखाते हैं कि उसने आत्महत्या के कार्यों में उन्हें मार डाल। राज्य द्वारा एक SIT समिति के गठन किया जाता है जो सिम्बा को एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाते हैं। स्थिति को स्पष्ट के उद्देश्यों से विनायक आकृति के मामले साथ ही सिम्बा के विवाद फर्स्ट मुठभेड़ के मारने के लिए एक तटस्थ अधिकारी के नियुक्त करता है और क्रोधित होकर दुबार उसके गुंडे सिम्बा को पकड़ लेते हैं। अचानक ने DCP बाई इराजोग सिंह अजय देवगन उसे बचाने के लिए आता है और दोनों को ने दुर्बा और उसके लोगों ने पिटाई की। सिंघम सिम्बा को बचाते हैं और वो उसके मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त तटस्थ अधिकारी है और बयान देता है कि सिम्बा ने आत्महत्या के कार्य में सदाशिव और गौरव को मार डाला है। और उसके बाद वो दुर्बा की माँ को भारतीय शिक्षा सेवा की बर्फबंदी को स्वयं दुबे की भर जाती है और वे सदाशिव ने आकृति पर हमला कथा भाई ड्रग ने टेकर और कई वीडियो को चलाते हैं। मैं फिल्म देख खुद को मार डालूंगा लेकिन ये उतना बुरा नहीं था जिसमें मैंने चुना था। मैंने उसी सुनील गोबर से बहुत उम्मीद थी कि वो फिल्म को अधिकांश भाग में उस पर देखने हुआ। उसके झा ने फिल्म को 5/5 रेटिंग तेलिका काफ़ी बिड दी। एक अधूरे प्रकाशित असंसारित के तहत है जो उसका था। ये भारत के सबसे बड़े भगौड़े और सबसे भरफेल पक्षपात के लिए भी मनोरंजन पत्र था। आकाश इसे हास्यस्पष्ट की गोद में कूदने के लिए और अधिक जगह की अनुमति दी गई होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने इसे 5 रेटिंग देते हुए लिखा कि इसे दाऊद इब्राहिम के कहीम के कहते हुए साहित्य प्रयास के इसने कई सहित नहीं है लेकिन क्या ये सफल प्रयास है मुश्किल है। Fallywood.com ने फिल्म को 1.5 पर 5 रेटिंग देते हुए कहा कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल व्यक्तित्व के अंडरवर्ल्ड अपूर्ण के स्पष्ट रूप में गलत व्याख्या के अलावा CWD के डी संस्करण के सार और गहराई के अभाव में हालांकि जाकिर हुसैन की भावना संतोषजनक है लेकिन चरित्र विकास चाहिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के बारे में बहुत कम शोध किया गया। यदि आप लगभग 3 देशों की हिट सूची में शामिल किसी घुपिट जॉन के कुछ कठिन प्रश्न पूछते हैं तो उसे डिकोड करने जा रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग और भावना को ठीक करने की आवश्यकता हो सुनाती है। सबसे बजाय निर्देशक विशाल मिश्रा दिखा दे कैसे उन्हें डी का मूल्यांकन करने का कोई दिलचस्पी नहीं है और कैसे वह गिरोह का राष्ट्रों को अपमानित करने का नफरत करते हैं। कर कोई मुई की फिल्म को 1.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि काफ़ी बीट डी सर्दी से है लौटने योग्य है। इस पर
अपना पैसा बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित बस ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए लिखा कि ये कैरन किरच के डी और उसके हरकतों खराब साउंड डिजाइनों के साथ काफ़ी बीट डी के अंत में कभी नहीं होगा। ये एक मज़ेदार फिल्म की शक्ति है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इसे 1.5 की फाइव रेटिंग थी और लिखा उसके बजाय कुचिंग को कैपुचिंग पर अपना पैसा खर्च करें और अपने मस्तिष्क की कोशिशों के बचाएं। Rediff.com ने भी इसे 1.5 की रेटिंग दी थी, लिखा कि काफ़ी बीती की कथानक खराब नहीं है लेकिन ये बेहतर ऑन स्क्रीन अनुवाद के साथ काम करना है। जो बात फिल्म को निराश करते हैं वो इसके सैम को के खाली घर में खार बरपाया सुनील घर। जब सैम ने बच्ची को अपने घर में कुछ सामान के साथ देखा तो उसे अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के संदेह हो गया। इसमें मिट्टू को पकड़ लिया और उसके दम घोटकर मार डाला। कमल भागने में सफल होता लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सैम मिट्टू गला घोटकर मारने की कोशिश करता है तो वो चट्टान लेकर अब वापस आता है और सैम पर जोर से प्रहार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम खींचकर स्कूल मास्टर के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैम के रूप में श्वेता त्रिपाठी, छात्रा संध्या की पत्नी सुनीता के रूप में त्रिपाठी अंधकारी, अलगोरू में श्रियाक्षान, संध्या के पिता प्रेमिका, हमारा खोर के साउंडट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किदरे जवान जिसमें सेसफिल जजे ने संगीतबद्ध किया गया था जिसमें अवोल आदित्य शर्मा लिखे थे। न्यूज 18 के जजिम मसद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी आयदा हुआ है जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन। ऐसा त्रिपाठी ने मुहित उपनेस युवा के किशोरी के रूप में अच्छी फार्म में है जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है लेकिन ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज्यादा समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ध्येय ताकत है तो उसे फिल्म के रोहित बंस ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे उस तोरण ने धार पर चलाती है एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस नहीं करना चाहिए भले ही भी सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा की किस तरह कुशलता के साथ एक नए विषय की खोज कर रहे होते और फिल्म को 5.5 रेटिंग दी और सुचित विजय ने इसने मयंक भारत का फिल्म को 10 में से 7 रेटिंग दी और भारणा को अभिनेताओं के प्रदर्शन की आकर्षित बताते हुए उनकी प्रशंसा की लेकिन कहा कथानक के निरस होने के प्रवृत्ति होने के एक व्यवसाय की श्रृंखला में राहत ने कहा है कि वो भारत वापस आए वो यहाँ योगदान देना चाहते थे उन्हें ये घर जैसा महसूस नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले दिन विक्की के मंगेतर निवेदिता निवी सिंह ने बीच खींची समझौता होती और वो उस पर कायर होने के हिंसा को में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। क्रोधित विक्की ने निवी को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे निवी के पिता ज्ञान सिंह जो भंगवत राजनीतिक दल के नेता है जब फोन आता है वो विक्की को चंदन से छुटकारा पाने की सलाह देता है लेकिन विक्की का तर्क है कि चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ ज्ञान सिंह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को आता है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है। ज्ञान सिंह को अगली बार निवी फोन करता है और कुछ समझौता की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी के लिए रजनी सुपरती लेकिन फ़ोन देख लेते और गुस्से में उसकी तस्वीर तोड़ देता। चंदन ने विक्की को फ़ोन किया और बताया कि वो विक्की के फार्म हाउस पर है और थोड़ी देर के लिए सो रहा है। जी जॉर्ज जीजी टेनिस और एस थामंदर तैयार किया गया था जबकि गीत संगीत अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक में 1996 में दो गाने रिमेक आँख मारे मूल रूप से फिल्म के तेरे मेरे सपने और नुसरत फतेह अली खान के कला का बाली गाने तेरे बिन सिम्बा को 27 से 18 को खाड़ी सहयोग विश्वविद्यालय के देश में रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट और दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन ये 2018 में सिंह के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआत फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई की जो अब तक की 25 भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया विपणन के स्लाइस अवार्ड मिला। खंगरव सिम्बा भालरा और रामवीर सिंह शिवगर का एक वीर विरोधी अनाथ वही साहसिंदा बाजीराव के सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वो देखता है कि पुलिस का रिश्वत के रूप में पैसा के कमाते वो ये पता चलता है उन्होंने खुद एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया और सफल हुए। कुछ स्थानीय चोरे और एक जौहरी से रिश्वत लेने के सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। सिम्बा को जल्द ही गृह मंत्री विनायक ठेकेदार के द्वारा गंभीर रूप से मिर्दार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वो सासून उठाने सारा अली खान के देखता है। पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। वो अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसके एक कनिष्ठ निबंधक मोहिल आशुतोष राणा जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने की झिझकता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। सिमिरासत में अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहादुरबा नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए गए जा रहे थे। वो पार्टी में बाधा डालता है। बैंकशत
रानाडे सोनू सूद के भाई सदाशिव सदास रानाडे अमृतलाल सिंह और गौरव सिंह के रनवे सौरभ शुक्ल है और उनके अभी पैसे की मांग करते हैं जिसके वादा करते हैं वो उन्हें उनकी अवैध गतिविधियों को जारी रखना देता है। दुर्बा सहमत हो जाते और बामत बामन राव तालफारे नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि के मुक्त करने के लिए सिम्बा का उपयोग करते हैं जिससे सिम्बा द्वारा कागजात पर सख्ताखर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच सिम्बा कई महिलाओं पर लड़कियों के साथ मृत और बहन जैसे संबंध विकसित करता है जिसने एक आकृति देवे बेहदी परमुशुराम के होते जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपनी शिक्षा की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने बम में अवैध दबाव के कारोबार करने के बच्चों को तस्करी के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करते हैं। दुर्बा द्वारा मनाए जाते हैं बाद सिम्बा शुरू में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इस बीच शगुन की उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच और ब्लॉब के ड्रग्स टेकर के बारे में पता चलता है कि वो एक रात छोदू नाम के मुख्य लड़के हैं जो उसके छात्र जो साथ जहां रहती है वो पुलिस को सबूत दिखाने के लिए उसके सेल फोन से बाहर हर चीज़ का वीडियो टेप करती है लेकिन सदा द्वारा पकड़ लिया जाता है। छोदू ने सदा और मिगी को आकृति पर हमला करते हुए चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया है और दोनों का एहसास होता है कि भाग्या सदा और गिरी एक आकृति के साथ बेहरमी से बलात्कार किया। छोटू आकृति की दोस्त काव्या नेहा महाजन के आकृति के खतरे से में होने के बारे बताती है कोशिश करता है। दुर्बा की गुंडे द्वारा पीछा किया जाने के काव्या आकृति की गुम सुधी शिकायत दर्ज करने के लिए सिम्बा के पास जाती है। आकृति अस्पताल में घायल अवस्था में पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है जिससे वो टूट जाता है। पुलिस आकृति का फोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो महारत कर लेते हैं। वो दुर्बा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है अपने तरीकों के सुधारने और उन सभी को लड़ता है। सिम्बा अंततः अपनी पुलिस का वर्दी पहनता है और उसे इस बदलाव के देखकर मोहित अंततः उसे सलाम करता है क्योंकि वे सदा और गिरी गिरफ्तार करते हैं। वो वामन द्वारा उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे छनी गई जमीन वापस कर देता है। अदालत में सिम्बा आकृति का वीडियो डिलीट होने के दौरान जाती है और इससे दुर्गा के दोस्त कॉर्पोरेटिंग वेडिंग कमरून बिजनेस शर्मा के पिटाई की जिसने अदालत में गलत बयान दिया था जिसने कारण उसे निवृत्त कर दिया गया। वो जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाते हैं। वो उन दोनों को गोली मार देता है और ऐसा दिखाते हैं कि उसने आत्महत्या के कार्यों में उन्हें मार डाल। राज्य द्वारा एक SIT समिति के गठन किया जाता है जो सिम्बा को एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाते हैं। स्थिति को स्पष्ट के उद्देश्यों से विनायक आकृति के मामले साथ ही सिम्बा के विवाद फर्स्ट मुठभेड़ के मामले के लिए एक तटस्थ अधिकारी के नियुक्त करता है और क्रोधित होकर दोबारा उसके गुंडे सिम्बा को पकड़ लेते हैं। अचानक ने DCP बाई इराजोग सिंह अजय देवगन ने उसे बचाने के लिए आता है और दोनों को ने दुर्बार उसके लोगों ने पिटाई की। सिंघम सिम्बा को बचाते हैं और वो उसके मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त तटस्थ अधिकारी है और बयान देता है कि सिम्बा ने आत्महत्या के कार्य में सदाशिव और गौरव को मार डाला है और उसके बाद वो दुर्बा की माँ को भारतीय शिक्षा सेवा की बर्फबंदी को स्वर्ग दुबे की भगनाती है और वे सदाशिव ने आकृति पर हमला तथा भाई ड्रग ने टेकर और कई वीडियो को चलाते हैं। मैं फिल्म देख खुद को मार डालूंगा लेकिन ये उतना बुरा नहीं था जिसमें मैंने चुना था। मैंने उसी सुनील गोबर से बहुत उम्मीद थी कि वो फिल्म को अधिकांश भाग में उस पर देखने हुआ उसके झा ने फिल्म को 5/5 रेटिंग दिल्ली का काफ़ी वृद्ध दी। एक अधूरे प्रोत्साहित असंसारित के तहत है जो उसका था। ये भारत के सबसे बड़े भगौड़े और सबसे भरफेल पक्षपात के ये भी मनोरंजन पत्र था। आकाश उसे हास्यस्पष्ट की गोद में कूदने के लिए और अधिक जगह की अनुमति दी गई होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इसे 5 रेटिंग देते हुए लिखा कि इसे दाऊद इब्राहिम के कौम के कहते हुए साहित्यिक प्रयास के इसने कई सहित नहीं है लेकिन क्या ये सफल प्रयास है मुश्किल है। Fallywood.com ने फिल्म को 1.5 पर 5 रेटिंग देते हुए कहा कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल व्यक्तित्व के अंडरवर्ल्ड अपहरण को स्पष्ट रूप में गलत व्याख्या के अलावा शेड्यूल D के D संस्करण के सार और गहराई के अभाव में हालांकि जाकिर हुसैन की भावना संतोषजनक है लेकिन चरित्र विकास चाहिए पर्याप्त रूप से सहसित है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के बारे में बहुत कम शोध किया गया। यदि आप लगभग 3 देशों की हिट सूची में शामिल किसी घुपिट जॉन के कुछ कठिन प्रश्न पूछते हैं तो उसे डिकोड करने जा रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग और भावना को ठीक करने की आवश्यकता हो सुनाती है। सबसे बजाय निर्देशक विशाल मिश्रा दिखा दे कैसे उन्हें डी का मूल्यांकन करने का कोई दिलचस्पी नहीं है और कैसे वह गिरोह का राष्ट्रों को अपमानित करने का नफरत करते हैं। कर कोई मई की फिल्म को 1.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि काफ़ी बीट डी शर्ती से लौटने योग्य है। इस पर
अपना पैसा बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित बस ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए लिखा कि ये कैरन किरच के डी और इसके हरकतों खराब साउंड डिजाइनों के साथ काफ़ी बीट डी के अंत में कभी नहीं होगा। ये एक मज़ेदार फिल्म की सकती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इसे 1.5 की 5 रेटिंग देती और लिखा उसके बजाय कुचिंग को कैपुचिंग पर अपना पैसा खर्च करें और अपने मस्तिष्क की कोशिशों के बचाएं। Rediff.com ने भी इसे 1.5 की रेटिंग देते लिखा कि काफ़ी बीट डी की कहानी खराब नहीं है लेकिन ये बेहतर ऑन स्क्रीन अनुवाद के साथ काम करना है। जो बात फिल्म को निराश करते हैं वो इसके सैम को के खाली घर में घर बरपाया सुनील घर। जब सैम ने बच्ची को अपने घर में कुछ सामान के साथ देखा तो उसे अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के संदेह हो गया। इसमें मिट्टू को पकड़ लिया और उसके दम घोटकर मार डाला। कमल भागने में सफल होता लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सैम मिट्टू का गला घोटकर मारने की कोशिश करता है तो वो चट्टान लेकर वापस आता है और सैम पर जोर से प्रहार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम खींचकर स्कूल मास्टर के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैम के रूप में श्वेता त्रिपाठी, छात्रा संध्या की पत्नी सुनीता के रूप में त्रिपाठी अंधकारी, अलग रूप में श्री आकाश, संध्या के पिता प्रेमिका, हमारा खोर के साउंड ट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किदरे जवान जिसमें सैसफिल जजे ने संगीतबद्ध किया गया था जिसमें वो आदित्य शर्मा लिखे थे। न्यूज 18 के जजिम मसद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी आयदा हुआ है जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन है। ऐसा त्रिपाठी ने मोहित उपनेश युवा के किशोरी के रूप में अच्छी फार्म में है जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है लेकिन ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज्यादा समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ध्येय ताकत है तो उसे फिल्म के रोहित बंस ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे उस तोरण ने धार पर चलाती है। एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस नहीं करना चाहिए। भले ही भी सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा की किस तरह कुशलता के साथ एक नए विषय की खोज कर रहे होते और फिल्म को 5.5 रेटिंग दी और सुशीत विजय ने मयंक भारत का फिल्म का 10 में से 7 रेटिंग दी और भारणा को अभिनेताओं के प्रदर्शन की आकर्षित बताते हुए उनकी प्रशंसा की लेकिन कहा कथानक के निरस होने के प्रवृत्ति होने के एक व्यवसाय की श्रृंखला में राहत ने कहा है कि वो भारत वापस आए वो यहाँ योगदान देना चाहते थे उन्हें घर जैसा महसूस नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले दिन विक्की के मंगेतर निवेदा निवी सिंह ने बीज खींची समझौता होती और वो उस पर कायर होने के हिंसा को में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। क्रोधित विक्की ने निवी को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे निवी के पिता ज्ञान सिंह जो भंगवत राजनीति दल के नेता है जब फोन आता है वो विक्की को चंदन से छुटकारा पाने की सलाह देता है लेकिन विक्की का तर्क है कि चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ ज्ञान सिंह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को बुलाता है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है। ज्ञान सिंह को अगली बार निकी फोन करता है और कुछ समझौता की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी के लिए रजनी सुपरती लेकिन फ़ोन देख लेते और गुस्से में उसकी तस्वीर तोड़ देता। चंदन ने विक्की को फ़ोन किया और बताया कि वो विक्की के फार्म हाउस पर है और थोड़ी देर के लिए सो रहा है। जी जॉर्ज जीजी टेनिस और एस थामंदर तैयार किया गया था जबकि गीत संगीत अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक में 1996 में दो गाने रिमेक आँख मारे मूल रूप से फिल्म के तेरे मेरे सपने और नुसरत फतेह अली खान के कला का बाली गाना तेरे बिन सिम्बा को 27 दिसंबर 2018 को खारी सहयोग विश्वविद्यालय के देश में रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट और दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन ये 2018 में सिंह के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआत फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई की जो अब तक की 25 भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। खंगरव सिम्बा भालरा और रामवीर सिंह शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ वही साहसिंदा बाजीराव के सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वो देखता है कि पुलिस का रिश्वत के रूप में पैसा के कमाते वो ये पता चलता है उन्होंने खुद एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। सफल हुए कुछ स्थानीय चोरे और एक जोहरी से रिश्वत लेने के सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। सिम्बा को जल्द ही गृहमंत्री विनायक ठेकेदार के द्वारा गंभीर रूप से मिर्दार स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वो सासून ठाणे सारा अली खान के देखता है। पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। वो अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसके एक कनिष्ठ निबंधक मोहिल आशुतोष राणा जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने की झिझकता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। सिमिरासत में अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहादुरबा नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए गए जा रहे थे। वो पार्टी में बाधा डालता है। बैंकशत
रानाडे सोनू सूद के भाई सदाशिव सदा रानाडे अमृतलाल सिंह और गौरव सिंह के अनवे सौरभ शुक्ला है उनके अभी पैसे की मांग करते हैं जिसके वादा करते हैं वो उन्हें उनकी अवैध गतिविधियों को जारी रखना देता है। दुर्बा सहमत हो जाते और बामत बामन राव उन तालपारे नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि के मुक्त करने के लिए सिम्बा का उपयोग करते हैं जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच सिम्बा कई महिलाओं पर लड़कियों के साथ मृत और बहन जैसे संबंध विकसित करता है जिसने एक आकृति देवी बेहदी परमुशुराम के होते जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपनी शिक्षा की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने बम में अवैध दबाव के कारोबार करने के बच्चों को तस्करी के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करते हैं। दुर्बा द्वारा मनाए जाते हैं बाद सिम्बा शुरू में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी बीच शगुन की उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच और ग्लोब के ड्रग्स टेकर के बारे में पता चलता है कि वो एक रात छोदू नाम के मुख्य लड़के हैं जो उसके छात्र जो साथ जहां रहती है वो पुलिस को सबूत दिखाने के लिए उसके सेल फोन से बाहर हर चीज़ का वीडियो टेप करती है लेकिन सदा द्वारा पकड़ लिया जाता है। छोदू ने सदा और मिगी को वकृति पर हमला करते हुए चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया है और दोनों का एहसास होता है कि भाग्य सदा और गिरी एक आकृति के साथ बेहरमी से बलात्कार किया। छोटू आकृति की दोस्त का नेहा महाजन के आकृति के खतरे से में होने के बारे बताती है कोशिश करता है। दुर्बा की गुंडे द्वारा पीछा किया जाने के काव्य आकृति की गुम सुद की शिकायत दर्ज कराने के लिए सिम्बा के पास जाती है। आकृति अस्पताल में घायल अवस्था में पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है जिससे वो टूट जाता है। पुलिस आकृति का फोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो महारत कर लेते हैं। वो दुर्बा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है अपने तरीकों के सुधारने और उन सभी को लड़ता है। सिम्बा अंततः अपनी पुलिस का वर्दी पहनता है और उसे इस बदलाव के देखकर मोहित अंततः उसे सलाम करता है क्योंकि वे सदा और गिरी को गिरफ्तार करते हैं। वो वामन द्वारा उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे छनी गई जमीन वापस कर देता है। अदालत में सिम्बा आकृति का वीडियो डिलीट होने के दौरान जाती है और इससे दुर्गा के दोस्त कॉर्पोरेटिंग वेडिंग कमरून बिजनेस शर्मा की पिटाई की जिसने अदालत में गलत बयान दिया था जिसने कारण उसे निवृत्त कर दिया गया। वो जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाते हैं। वो उन दोनों को गोली मार देता है और ऐसा दिखाते हैं कि उसने आत्महत्या के कार्यों में उन्हें मार डाल। राज्य द्वारा एक SIT समिति के गठन किया जाता है जो सिम्बा को एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाते हैं। स्थिति को स्पष्ट के उद्देश्यों से विनायक आकृति के मामले साथ ही सिम्बा के विवाद फर्स्ट मुठभेड़ के मामले के लिए एक तटस्थ अधिकारी के नियुक्त करता है और क्रोधित होकर दुर्बा और उसके गुंडे सिम्बा को पकड़ लेते हैं। अचानक ने DCP बाई इराजोग सिंह अजय देवगन ने उसे बचाने के लिए आता है और दोनों को ने दुर्बा और उसके लोगों ने पिटाई की। सिंघम सिम्बा को बचाते हैं और वो उसके मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त तटस्थ अधिकारी है और बयान देता है कि सिम्बा ने आत्महत्या के कार्य में सदाशिव और गौरव को मार डाला है और उसके बाद वो दुर्बा की माँ को भारतीय शिक्षा सेना की बर्बंदी को स्वर्ग दुबे की भर जाती है और वे सदाशिव ने आकृति पर हमला था भाई ड्रग ने टेकर और कई वीडियो को चलाते हैं। मैं फिल्म देख खुद को मार डालूंगा लेकिन ये उतना बुरा नहीं था जिसमें मैंने चुना था। मैंने उसी सुनील गोबर से बहुत उम्मीद थी कि वो फिल्म को अधिकांश भाग में उस पर देखने हुआ उसके झा ने फिल्म को 5/5 रेटिंग दिल्ली का काफ़ी वृद्धि एक अधूरे प्रकाशित संसारित के तहत है जो उसका था। ये भारत के सबसे बड़े भगौड़े और सबसे भरफेल पक्षपात के लिए भी मनोरंजन पत्र था। आकाश इसे हास्यस्पष्ट के गोद में कूदने के लिए और अधिक जगह की अनुमति दी गई होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने इसे 2.5 रेटिंग देते हुए लिखा कि इसे दाऊद इब्राहिम के कम के कहते हुए साहित्यिक प्रयास के इसने कई सहित नहीं है लेकिन क्या ये सफल प्रयास है मुश्किल है। Fallywood.com ने फिल्म को 2.5 पर 5 रेटिंग देते हुए कहा कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल व्यक्तित्व के अंडरवर्ल्ड अपहरण को स्पष्ट रूप में गलत व्याख्या के अलावा CWD के डी संस्करण के सार और गहराई के अभाव में हालांकि जाकिर हुसैन की भावना को संतोषजनक है लेकिन चरित्र विकास चाहिए पर्याप्त रूप से सहसित है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के बारे में बहुत कम शोध किया गया। यदि आप लगभग 3 देशों की हिट सूची में शामिल किसी घुपिट जॉन के कुछ कठिन प्रश्न पूछते हैं तो उसे डिकोड करने जा रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग और भावना को ठीक करने की आवश्यकता हो सुनाती है। सबसे बजाय निर्देशक विशाल मिश्रा दिखा दे कैसे उन्हें डी का मूल्यांकन करने का कोई दिलचस्पी नहीं है और कैसे वह गिरोह का राष्ट्रों को अपमानित करने का नफरत करते हैं। कर कोई मुई की फिल्म को 1.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि काफ़ी बीट डी शर्ती से लौटने योग्य है। इस पर
अपना पैसा बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित बस ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए लिखा कि ये कैरन किरच के डी और इसके हरकतों खराब साउंड डिजाइन के साथ काफ़ी बीट डी के अंत में कभी नहीं होगा। ये एक मज़ेदार फिल्म की सकती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इसे 1.5 की 5 रेटिंग देती और लिखा उसके बजाय कुचिंग को कैपुचिंग पर अपना पैसा खर्च करें और अपने मस्तिष्क की कोशिशों के बचाएं। Rediff.com ने भी इसे 1.5 की रेटिंग देते लिखा कि काफ़ी बीट डी की कहानी खराब नहीं है लेकिन ये बेहतर ऑन स्क्रीन अनुवाद के साथ काम करना है। जो बात फिल्म को निराश करते हैं वो इसके सैम को के खाली घर में खार बरपाया सुनील घर। जब सैम ने बच्ची को अपने घर में कुछ सामान के साथ देखा तो उसे अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के संदेह हो गया। इसमें मिट्टू को पकड़ लिया और उसके दम घोटकर मार डाला। कमल भागने में सफल होता लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सैम मिट्टू का गला घोटकर मारने की कोशिश करता है तो वो चट्टान लेकर वापस आता है और सैम पर जोर से प्रहार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम खींचकर स्कूल मास्टर के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैम के रूप में श्वेता त्रिपाठी, छात्रा संध्या की पत्नी सुनीता के रूप में त्रिपाठी अंधकारी, अनुके रूप में श्रेयाक्षर, संध्या के पिता प्रेमिका हमारा खोर के साउंडट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किदरे जवान जिसमें सेल्सफिल जजन ने संगीतबद्ध किया गया था जिसमें वोल आदित्य शर्मा लिखे थे। न्यूज 18 के जजिम पसंद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी आयदा हुआ है जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन है। ऐसा त्रिपाठी ने मुफ्त उपनेश युवा के किशोरी के रूप में अच्छी फार्म में है जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है लेकिन यह नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज्यादा समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ध्येय ताकत है तो उसे फिल्म के रोहित बस ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे उस तोरण ने धार पर चला दिया एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस नहीं करना चाहिए। भले ही भी सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा की किस तरह कुशलता के साथ एक नए विषय की खोज कर रहे होते और फिल्म को 5.5 रेटिंग दी और सुशीत विजय ने इसने मयंक भारण का फिल्म का 10 में से 7 रेटिंग दी और भारणा को अभिनेताओं के प्रदर्शन की आकर्षित बताते हुए उनकी प्रशंसा की लेकिन कहा कथानक के निरस होने के वृत्ति होने के एक व्यवसाय की श्रृंखला में राहत ने कहा है कि वो भारत वापस आए वो यहाँ योगदान देना चाहते थे उन्हें ये घर जैसा महसूस नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले दिन विक्की के मंगेतर निवेदा निवी सिंह ने बीच खींची समझौता होती और वो उस पर कायर होने के हिंसा को में शामिल होने के आरोप लगाते हैं। क्रोधित विक्की ने निवी को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे निवी के पिता ज्ञान सिंह जो भंगवत राजनीति दल के नेता है जब फोन आता है वो विक्की को चंदन से छुटकारा पाने की सलाह देता है लेकिन विक्की का तर्क है कि चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ ज्ञान सिंह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को बुला आता है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है। ज्ञान सिंह को अगली बार निवी फोन करता है और कुछ समझौता की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी के लिए रजनी सुपरती लेकिन फ़ोन देख लेते हैं और गुस्से में उसकी तस्वीर तोड़ देता। चंदन ने विक्की को फ़ोन किया और बताया कि वो विक्की के फार्म हाउस पर है और थोड़ी देर के लिए सो रहा है। जी जॉर्ज जीजी टेनिस और एस थामन तैयार किया गया था जबकि गीत संगीत अहमद रश्मि बीरा कुमार और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक में 1996 में दो गाने रिमेक आँख मारे मूल रूप से फिल्म के तेरे मेरे सपने और नुसरत फतेह अली खान के कला का बाली गाने तेरे बिन सिम्बा को 27 दिसंबर 2018 को खारी सहयोग विश्व विरसित के देश में रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट और दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन ये 2018 में सिंह के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआत फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई की जो अब तक की 25 भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया विपिल्स के स्लाइस अवार्ड मिला। खंगरव सिम्बा भालरा और रामवीर सिंह शिवगर का एक वीर विरोधी अनाथ वही साहसिंदा बाजीराव के सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वो देखता है कि पुलिस का रिश्वत के रूप में पैसा के कमाते वो ये पता चलता है उन्होंने खुद एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया और सफल हुए। कुछ स्थानीय चोरे और एक जोहरी से रिश्वत लेने के सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। सिम्बा को जल्द ही गृहमंत्री विनायक ठेकेदार के द्वारा गंभीर रूप से मिर्दार स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वो सासून ठाणे सारा अली खान के देखता है। पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। वो अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसके एक कनिष्ठ निबंधक मोहिल आशुतोष राणा जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने की झिझकता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। सिमिरासत में अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहादुरबा नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए गए जा रहे थे। वो पार्टी में बाधा डालता है। बैंकशत
रानाडे सोनू सूद के भाई सदाशिव सदास रानाडे, अमृतलाल सिंह और गौरव सिंह के रनवे सौरभ शुक्ला है। उनके अभी पैसे की मांग करते हैं जिसके वादा करते हैं वो उन्हें उनके अवैध गतिविधियों को जारी रखना देता है। दुर्बा सहमत हो जाते और बामत बामन राव उन तालपारे नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि के मुक्त करने के लिए सिम्बा का उपयोग करते हैं जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर सख्ताकर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच सिम्बा कई महिलाओं पर लड़कियों के साथ मृत और बहन जैसे संबंध विकसित करता है जिसने एक आकृति देवी बेहदी परमुशीराम के होते हैं जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपनी शिक्षा की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने बम में अवैध दबाव के कारोबार करने के बच्चों को तस्करी के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करते हैं। दुर्बा द्वारा मनाए जाते हैं बाद सिम्बा शुरू में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इस बीच शगुन की उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच और ग्लोब के ड्रग्स टेकर के बारे में पता चलता है कि वो एक रात छोदू नाम के मूक लड़के हैं जो उसके छात्र जो साथ जहां रहती है वो पुलिस को सबूत दिखाने के लिए उसके सेल फोन से बाहर हर चीज़ का वीडियो टेप करती है लेकिन सदा द्वारा पकड़ लिया जाता है। छोदू ने सदा और मिगी को वकृति पर हमला करते हुए चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया है और दोनों का एहसास होता है कि भाग्या सदा और गिरी एक आकृति के साथ बेहरमी से बलात्कार किया। छोटू आकृति की दोस्त काव्या नेहा महाजन के आकृति के खतरे से में होने के बारे बताती है कोशिश करता है। दुर्बा की गुंडे द्वारा पीछा किया जाने के काव्या आकृति की गुमशुदगी शिकायत दर्ज कराने के लिए सिम्बा के पास जाती है। आकृति अस्पताल में घायल अवस्था में पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है जिससे वो टूट जाता है। पुलिस आकृति का फोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो महारत कर लेते हैं। वो दुर्बा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है अपने तरीकों के सुधारने और उन सभी को लड़ता है। सिम्बा अंततः अपनी पुलिस का वर्दी पहनता है और उसे इस बदलाव के देखकर मोहित अंततः उसे सलाम करता है क्योंकि वे सदा और गिरी को गिरफ्तार करते हैं। वो वामन द्वारा उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे छनी गई जमीन वापस कर देता है। अदालत में सिम्बा आकृति का वीडियो डिलीट होने के दौरान जाती है और इससे दुर्गा के दोस्त कॉर्पोरेटिंग वेडिंग कमरून बिजनेस शर्मा की पिटाई की जिसने अदालत में गलत बयान दिया था जिसने कारण उसे निवृत्त कर दिया गया। वो जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करते हैं और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाते हैं। वो उन दोनों को गोली मार देता है और ऐसा दिखाते हैं कि उसने आत्महत्या के कार्यों में उन्हें मार डाल। राज्य द्वारा एक SIT समिति के गठन किया जाता है जो सिम्बा को एनकाउंटर को सवाल उठाते हैं। स्थिति को स्पष्ट के उद्देश्यों से विनायक आकृति के मामले साथ ही सिम्बा के विवाद फर्स्ट मुठभेड़ के मारने के लिए एक तटस्थ अधिकारी के नियुक्त करता है और क्रोधित होकर दुबा और उसके गुंडे सिम्बा को पकड़ लेते हैं। अचानक ने DCP बाई राजयोग सिंह अजय देवगन ने उसे बचाने के लिए आता है और दोनों को ने दुर्बा और उसके लोगों ने पिटाई की। सिंघम सिम्बा को बचाते हैं और वो उसके मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त तटस्थ अधिकारी है और बयान देता है कि सिम्बा ने आत्महत्या के कार्य में सदाशिव और गौरव को मार डाला है और उसके बाद वो दुर्बा की माँ को भारतीय शिक्षा सेवा की बंदी को स्वयं दुबे की भर जाती है और वे सदाशिव ने आकृति पर हमला था भाई ड्रग ने टेकर और कई वीडियो को चलाते हैं। मैं फिल्म देख खुद को मार डालूंगा लेकिन ये उतना बुरा नहीं था जिसमें मैंने चुना था। मैंने उसी सुनील गोबर से बहुत उम्मीद थी कि वो फिल्म को अधिकांश भाग में उस पर देखने हुआ के झा ने फिल्म को 5/5 रेटिंग दिल्ली का काफ़ी वृद्धि दी। एक अधूरे प्रकाशित संसारित के तहत है जो उसका था। ये भारत के सबसे बड़े भगौड़े और सबसे भरफेल पक्षपात के ये भी मनोरंजन पत्र था। आकाश इसे हास्यस्पष्ट के गोद में कूदने के लिए और अधिक जगह की अनुमति दी गई होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने इसे 2.5 रेटिंग देते हुए लिखा कि उसे दाऊद इब्राहिम के कहीं के कहते हुए साहित्य प्रयास के इसने कई सहित नहीं है लेकिन क्या ये सफल प्रयास है मुश्किल है। Fallywood.com ने फिल्म को 2.5 पर 5 रेटिंग देते हुए कहा कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल व्यक्तित्व के अंडरवर्ल्ड अपहरण को स्पष्ट रूप में गलत व्याख्या के अलावा शेड्यूल D के D संस्करण के सार और गहराई के अभाव में हालांकि जाकिर हुसैन की भावना संतोषजनक है लेकिन चरित्र विकास चाहिए पर्याप्त रूप से सहसित है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के बारे में बहुत कम शोध किया गया। यदि आप लगभग 3 देशों की झीट सूची में शामिल किसी घुपिट जॉन के कुछ कठिन प्रश्नों पूछते हैं तो उसे डिकोड करने जा रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग और भावना को ठीक करने की आवश्यकता हो सुनाती है। सबसे बजाय निदेशक विशाल मिश्रा दिखा दे कैसे उन्हें D का मूल्यांकन करने का कोई दिलचस्पी नहीं है और कैसे वह गिरोह का राष्ट्रों को अपमानित करने का नफरत करते हैं। कर कोई मई की फिल्म को 1.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि काफ़ी बीट डी शर्ती से लौटने योग्य है। इस पर
अपना पैसा बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित बस ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए लिखा कि ये कैरन किरच के डी और उसके हरकतों खराब साउंड डिजाइनों के साथ काफ़ी बी डी के अंत में कभी नहीं होगा। ये एक मज़ेदार फिल्म की सकती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इसे 1.5 की फाइव रेटिंग देती है और लिखा उसके बजाय कुचिंग को कैपुचिंग पर अपना पैसा खर्च करें और अपने मस्तिष्क की कोशिशों के बचाएं। Rediff.com ने भी इसे 1.5 की रेटिंग देते लिखा कि काफ़ी बीती की कथानक खराब नहीं है लेकिन ये बेहतर ऑन स्क्रीन अनुवाद के साथ काम करना है। जो बात फिल्म को निराश करते हैं वो इसके सैम को के खाली घर में हार बरपाया सुनील घर। जब सैम ने बच्ची को अपने घर में कुछ सामान के साथ देखा तो उसे अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के संदेह हो गया। इसमें मिट्टू को पकड़ लिया और उसके दम घोटकर मार डाला। कमल भागने में सफल होता लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सैम मिट्टू गला घोटकर मारने की कोशिश करता है तो वो चट्टान लेकर वापस लाता है और सैम पर जोर से प्रहार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम खींचकर स्कूल मास्टर के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैम के रूप में श्वेता त्रिपाठी, छात्रा संध्या की पत्नी सुनीता के रूप में त्रिपाठी अंधकारी, अलगोरू में श्रियाक्षार संध्या के पिता प्रेमिका, हमारा खोर के साउंडट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किदरे जवान जिसमें सेसफिल जर्जर ने संगीतबद्ध किया गया था जिसमें वोल आदित्य शर्मा लिखे थे। न्यूज 18 के जर्जिन मसद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी आयदा हुआ है जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन है। एसा त्रिपाठी ने मुभित उपनेश युवा के किशोरी के रूप में अच्छी फार्म में है जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है लेकिन ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज्यादा समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ध्येय ताकत है तो उसे फिल्म के रोहित बस ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे उस तोरण ने धार पर चलाती है एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस नहीं करना चाहिए भले ही भी सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा की किस तरह कुशलता के साथ एक नए विषय की खोज कर रहे होते और फिल्म को 5.5 रेटिंग दी और सुचित विजय ने इसने मयंक भारत के फिल्म को 10 में से 7 रेटिंग दी। अभारणा को अभिनेताओं के प्रदर्शन की आकर्षित बताते हुए उनकी प्रशंसा की लेकिन कहा कथानक के निरस होने के होने के एक व्यवसाय की श्रृंखला में राहत ने कहा है कि वो भारत वापस आए वो यहाँ योगदान देना चाहते थे उन्हें ये घर जैसा महसूस नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले दिन विक्की के मंगेतर निवेदा निवी सिंह ने बीच खिखी समझौता होती और वो उस पर कायर होने के हिंसा को में शामिल होने के आरोप लगाते हैं। क्रोधित विक्की ने निवी को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे निवी के पिता ज्ञान सिंह जो भंगवत राजनीति दल के नेता है जब फोन आता है वो विक्की को चंदन से छुटकारा पाने की सलाह देता है लेकिन विक्की का तर्क है कि चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ ज्ञान सिंह के एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को बुला है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है। ज्ञान सिंह को अगली बार निकी फोन करता है और कुछ समझौता की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी के लिए रजनी सुपरती लेकिन फ़ोन देख लेते हैं उस गुस्से में उसकी तस्वीर तोड़ देता। चंदन ने विक्की को फ़ोन किया और बताया कि वो विक्की के फार्म हाउस पर है और थोड़ी देर के लिए सो रहा है। जी जॉर्ज जीजी टेनिस और एस थामंदर तैयार किया गया था जबकि गीत संगीत अहमद रश्मि वीरा कुमार और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक में 1996 में दो गाने रिमेक आँख मारे मूल रूप से फिल्म के तेरे मेरे सपने और नुसरत फतेह अली खान के कलाब का बाली गाने तेरे बिन सिम्बा को 27 सितंबर 2018 को खाड़ी सहयोग विश्व विरसित के देश में रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट और दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन ये 2018 में सिंह के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआत फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई की जो अब तक की 25 भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया विपणन के स्लाइस अवार्ड मिला। खंगरव सिम्बा भालरा और रामवीर सिंह शिवगर का एक वीर विरोधी अनाथ वही साहसिंदा बाजीराव के सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वो देखता है कि पुलिस का रिश्वत के रूप में पैसा के कमाते वो ये पता चलता है उन्होंने खुद एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया और सफल हुए। कुछ स्थानीय चोरे और एक जोहरी से रिश्वत लेने के सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। सिम्बा को जल्द ही गृहमंत्री विनायक ठेकेदार के द्वारा गंभीर रूप से मिर्दार स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वो सासून उठाने सारा अली खान के देखता है। पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। वो अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसके एक कनिष्ठ निबंधक मोहिल आशुतोष राणा जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने की झिझकता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। सिमियासत में अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहादुरवा नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए गए जा रहे होते हैं। वो पार्टी में बाधा डालता है। बैंकशत
रानाडे सोनू सूद के भाई सदाशिव रानाडे, अमृतलाल सिंह और गौरव सिंह के अन्य सौरभ शुक्ला है। उनके अभी पैसे की मांग करते हैं जिसके वादा करते हैं वो उन्हें उनके अवैध गतिविधियों को जारी रखना देता है। दुर्बा सहमत हो जाते और बामत बामन राव तालपारे नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि के मुक्त करने के लिए सिम्बा का उपयोग करते हैं जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर सख्ताखर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच सिम्बा कई महिलाओं पर लड़कियों के साथ मृत और बहन जैसे संबंध विकसित करता है जिसने एक आकृति देवी बेहदी परमुशुराम के होते हैं जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपनी शिक्षा की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने बम में अवैध दबाव के कारोबार करने के बच्चों को तस्करी के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करते हैं। दुर्बा द्वारा मनाए जाते हैं बाद सिम्बा शुरू में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इस बीच शगुन की उससे प्यार हो जाता है। इस बीच और ब्लॉब के ड्रग्स टेकर के बारे में पता चलता है कि वो एक रात छोदू नाम के मूक लड़के हैं जो उसके छात्र जो साथ जहां रहती है वो पुलिस को सबूत दिखाने के लिए उसके सेल फोन से बाहर हर चीज़ का वीडियो टेप करती है लेकिन सदा द्वारा पकड़ लिया जाता है। छोदू ने सदा और मिगी को वकृति पर हमला करते हुए चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया है और का एहसास होता है कि भाग्य सदा और गिरी एक आकृति के साथ बेहरमी से बलात्कार किया। छोटू आकृति की दोस्त काव्या नेहा महाजन के आकृति के खतरे से में होने के बारे बताती है कोशिश करता है। दुर्बा की गुंडे द्वारा पीछा किया जाने के काव्या आकृति की गुम सुदगी शिकायत दर्ज करने के लिए सिम्बा के पास जाती है। आकृति अस्पताल में घायल अवस्था में पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है जिससे वो टूट जाता है। पुलिस आकृति का फोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो महारत कर लेते हैं। वो दुर्बा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है अपने तरीकों के सुधारने और उन सभी को लड़ता है। सिम्बा अंततः अपनी पुलिस का वर्दी पहनता है और उसे इस बदलाव के देखकर मोहित अंततः उसे सलाम करता है क्योंकि वे सदा और गिरी को गिरफ्तार करते हैं। वो बामन द्वारा उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे छनी गई जमीन वापस कर देता है। अदालत में सिम्बा आकृति का वीडियो डिलीट होने के दौरान जाती है और इससे दुर्गा के दोस्त कॉरपोरेटिंग वेडिंग कमरून बिजनेस शर्मा के पिटाई की जिसने अदालत में गलत बयान दिया था जिसके कारण उसे निलंबित कर दिया गया। वो जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाते हैं। वो उन दोनों को गोली मार देता है और ऐसा दिखाते हैं कि उसने आत्महत्या के कार्यों में उन्हें मार डाल। राज्य द्वारा एक SIT समिति के गठन किया जाता है जो सिम्बा को एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाते हैं। स्थिति को स्पष्ट के उद्देश्यों से विनायक आकृति के मामले साथ ही सिम्बा के विवाद फर्स्ट मुठभेड़ के मारने के लिए एक तटस्थ अधिकारी के नियुक्त करता है और क्रोधित होकर दुबार और उसके गुंडे सिम्बा को पकड़ लेते हैं। अचानक ने DCP बाई इराजो के सिंह अजय देवगन ने उसे बचाने के लिए आता है और दोनों को दुर्बा और उसके लोगों ने पिटाई की। सिंघम सिम्बा को बचाते हैं और वो उसके मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त तटस्थ अधिकारी है और बयान देता है कि सिम्बा ने आत्महत्या के कार्य में सदाशिव और गौरव को मार डाला है और उसके बाद वो दुर्बा की माँ को भारतीय शिक्षा सेवा की बर्फी को स्वर्ग दुबे की भगनाती है और वे सदाशिव ने आकृति पर हमला था भाई ड्रग ने टेकर और कई वीडियो को चलाते हैं। मैं फिल्म देख खुद को मार डालूंगा लेकिन ये उतना बुरा नहीं था जिसमें मैंने चुना था। मैंने उसी सुनील गोबर से बहुत उम्मीद थी कि वो फिल्म को अधिकांश भाग में उस पर देखने हुआस के झा ने फिल्म को 5/5 रेटिंग दिल्ली का काफ़ी वृद्धि दी। एक अधूरे प्रकाशित असंसारित के तहत है जो उसका था। ये भारत के सबसे बड़े भगौड़े और सबसे भरफेल पक्षपात के ये भी मनोरंजन पत्र था। आकाश इसे हास्यस्पष्ट के गोद में कूदने के लिए और अधिक जगह की अनुमति दी गई होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने इसे 2.5 रेटिंग देते हुए लिखा कि उसे दाऊद इब्राहिम के कवि के कहते हुए साहित्य प्रयास के इसने कई सहित नहीं है लेकिन क्या ये सफल प्रयास है मुश्किल है। Fallywood.com ने फिल्म को 2.5/5 रेटिंग देते हुए कहा कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल व्यक्तित्व के अंडरवर्ल्ड अपूर्ण को स्पष्ट रूप में गलत व्याख्या के अलावा D संस्करण के सार और गहराई के अभाव में हालांकि जाकिर हुसैन की भावना संतोषजनक है लेकिन चरित्र विकास चाहिए पर्याप्त रूप से सहसित है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के बारे में बहुत कम शोध किया गया। यदि आप लगभग 3 देशों की झीट सूची में शामिल किसी घुपिट जॉन के कुछ कठिन प्रश्नों पूछते हैं तो उसे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग और भावना को ठीक करने की आवश्यकता हो सुनाती है। सबसे बजाय निदेशक विशाल मिश्रा दिखा दे कैसे उन्हें डी का मूल्यांकन करने का कोई दिलचस्पी नहीं है और कैसे वो गिरोह का राष्ट्रों का अपमानित करने का नफरत करते हैं। कर कोई मुई की फिल्म को 1.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि काफ़ी बीट डी शर्ती से लौटने योग्य है। इस पर
अपना पैसा बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित बस ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए लिखा कि ये कैरन किरच के डी और इसके हरकतों खराब साउंड डिजाइनों के साथ काफ़ी बीट डी के अंत में कभी नहीं होगा। ये एक मज़ेदार फिल्म की सकती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए इसे 1.5 की फाइव रेटिंग देती और लिखा उसके बजाय कुछ को कैपुचिंग पर अपना पैसा खर्च करें और अपने मस्तिष्क की कोशिशों के बचाएं। Rediff.com ने भी इसे 1.5 की रेटिंग देते लिखा कि काफ़ी बीती की कथानक खराब नहीं है लेकिन ये बेहतर ऑन स्क्रीन अनुवाद के साथ काम करना है। जो बात फिल्म को निराश करते हैं वो इसके सैम को के खाली घर में घर बरपाया सुनील घर। जब सैम ने बच्ची को अपने घर में कुछ सामान के साथ देखा तो उसे अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के संदेह हो गया। इसमें मिट्टू को पकड़ लिया और उसके दम घोटकर मार डाला। कमल भागने में सफल होता लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सैम मिट्टू गला घोटकर मारने की कोशिश करता है तो वो चट्टान लेकर वापस आता है और सैम पर जोर से प्रहार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम खींचकर स्कूल मास्टर के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैम के रूप में श्वेता त्रिपाठी, छात्रा संध्या की पत्नी सुनीता के रूप में त्रिपाठी अंधकारी, अलग रूप में श्रेयाक्षान, संध्या के पिता प्रेमिका, हमारा खोर के साउंडट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किदरे जवान जिसमें सेसफिल जजे ने संगीतबद्ध किया गया था जिसमें वोल आदित्य शर्मा लिखे थे। न्यूज 18 के जजे मसद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी आयदा हुआ है जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन है। ऐसा त्रिपाठी ने उपनेत युवा किया किशोरी के रूप में अच्छी भाव में है जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है लेकिन ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज्यादा समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ध्येय ताकत है तो उसे फिल्म के रोहित बस ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे उस तोड़ ने धार पर चलाती है। एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस नहीं करना चाहिए भले ही भी सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा की किस तरह कुशलता के साथ एक नए विषय की खोज कर रहे होते और फिल्म को 5.5 रेटिंग दी और सुचित विजय ने मयंक भारत का फिल्म को 10 में से 7 रेटिंग दी और भारत को अभिनेताओं के प्रदर्शन की आकर्षित बताते हुए उनकी प्रशंसा की लेकिन कहा कथानक के निरस होने के होने के एक व्यवसाय के श्रृंखला में राहत ने कहा कि वो भारत वापस आए वो यहाँ योगदान देना चाहते थे उन्हें घर जैसा महसूस नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले दिन विक्की के मंगेतर निवेदा निवी सिंह ने बीच खींची समझौता होती और वो उस पर कायर होने के हिंसा को में शामिल होने के आरोप लगाते हैं। क्रोधित विक्की ने निवी को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे निवी के पिता ज्ञान सिंह जो भंगवत राजनीति दल के नेता है जब फोन आता है वो विक्की को चंदन से छुटकारा पाने की सलाह देता है लेकिन विक्की का तर्क है कि चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ ज्ञान सिंह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को बुला है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है। ज्ञान सिंह को अगली बार निपी फोन करता है और कुछ समझौता की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी के लिए रजनी सुपरती लेकिन फ़ोन देख लेते और गुस्से में उसकी तस्वीर तोड़ देता। चंदन ने विक्की को फ़ोन किया और बताया कि वो विक्की के फार्म हाउस पर है और थोड़ी देर के लिए हो रहा है। जी जॉर्ज जीजी टेनिस और एस थामंदर तैयार किया गया था जबकि गीत संगीत अहमद रश्मि वीराग कुमार और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक में 1996 में दो गाने रिमेक आँख मारे मूल रूप से फिल्म के तेरे मेरे सपने और नुसरत फतेह अली खान के कला का बाली गाने तेरे बिन सिम्बा को 27 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग विश्व विरसित के देश में रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट और दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली लेकिन ये 2018 में सिंह के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआत फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई की जो अब तक की 25 भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। खंगरव सिम्बा भालरा और रामवीर सिंह शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ वही साहसिंदा बाजीराव के सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वो देखता है कि पुलिस का रिश्वत के रूप में पैसा के कमाते वो ये पता चलता है उन्होंने खुद एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया और सफल हुए। कुछ स्थानीय चोरे और एक जोड़ी से रिश्वत लेने के सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। सिम्बा को जल्द ही गृहमंत्री विनायक ठेकेदार के द्वारा गंभीर रूप से मिर्दार स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वो सासून ठाणे सारा अली खान के देखता है। पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। वो अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसके एक कनिष्ठ निबंधक मोहिल आशुतोष राणा जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने की झिझकता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। सिमिरासत में अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहादुरबा नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए गए जा रहे थे। वो पार्टी में बाधा डालता है। बैंकशत राणा
रानाडे सोनू सूद के भाई सदाशिव सदा रानाडे अमृतलाल सिंह और गौरव सिंह के अनवे सौरभ शुक्ला है उनके अवैध पैसे की मांग करते हैं जिसके वादा करते हैं वो उन्हें उनकी अवैध गतिविधियों को जारी रखना देता है। दुर्बा सहमत हो जाते हैं और बामन राव तालपारे नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि के मुक्त करने के लिए सिम्बा का उपयोग करते हैं जिससे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच सिम्बा कई महिलाओं पर लड़कियों के साथ मृत और बहन जैसे संबंध विकसित करता है जिसने एक आकृति देवे बेहदी परमुशुराम के होते हैं जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपनी शिक्षा की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने बम में अवैध दबाव के कारोबार करने के बच्चों को तस्करी के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करते हैं। दुर्बा द्वारा मनाए जाते हैं बाद सिम्बा शुरू में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इस बीच शगुन की उससे प्यार हो जाता है। इस बीच और ग्लोब के ड्रग्स टेकर के बारे में पता चलता है कि वो एक रात छोदू नाम के मूक लड़के हैं जो उसके छात्र जो साथ जहां रहती है वो पुलिस को सबूत दिखाने के लिए उसके सेल फोन से बाहर हर चीज़ का वीडियो टेप करती है लेकिन सदा द्वारा पकड़ लिया जाता है। छोदू उन्हें सदा और मिगीवी को वकृति पर हमला करते हुए चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया है और दोनों का एहसास होता है कि भाग्य सदा और गिरी एक आकृति के साथ बेहरमी से बलात्कार किया। छोटू आकृति की दोस्त काव्य नेहा महाजन के आकृति के खतरे से में होने के बारे बताती है कोशिश करता है। दुर्बा की गुंडे द्वारा पीछा किया जाने के काव्य आकृति की गुम सुदगी शिकायत दर्ज करने के लिए सिम्बा के पास जाती है। आकृति अस्पताल में घायल अवस्था में पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है जिससे वो टूट जाता है। पुलिस आकृति का फोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो महारत कर लेते हैं। वो दुर्बा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है अपने तरीकों के सुधारने और उन सभी को लड़ता है। सिम्बा अंततः अपनी पुलिस का वर्दी पहनता है और उसे इस बदलाव के देखकर मोहित अंततः उसे सलाम करता है क्योंकि वे सदा और गिरी को गिरफ्तार करते हैं। वो वामन द्वारा उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे छनी गई जमीन वापस कर देता है। अदालत में सिम्बा आकृति का वीडियो डिलीट होने के दौरान जाती है और इससे दुर्गा के दोस्त कॉर्पोरेटिंग वेडिंग कमरून बिजनेस शर्मा के पिटाई की जिसने अदालत में गलत बयान दिया था जिसके कारण उसे निलंबित कर दिया गया। वो जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाते हैं। वो उन दोनों को गोली मार देता है और ऐसा दिखाते हैं कि उसने आत्महत्या के कार्यों में उन्हें मार डाल। राज्य द्वारा एक SIT समिति के गठन किया जाता है जो सिम्बा को एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाते हैं। स्थिति को स्पष्ट के उद्देश्यों से विनायक आकृति के मामले साथ ही सिम्बा के विवाद फर्स्ट मुठभेड़ के मारने के लिए एक तटस्थ अधिकारी के नियुक्त करता है और क्रोधित होकर दुबार उसके गुंडे सिम्बा को पकड़ लेते हैं। अचानक DCP बाई विराजो के सिंह अजय देवगन उसे बचाने के लिए आता है और दोनों को दुर्बा और उसके लोगों ने पिटाई की। सिंघम सिम्बा को बचाते हैं और वो उसके मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त तटस्थ अधिकारी है और बयान देता है कि सिम्बा ने आत्महत्या के कार्य में सदाशिव और गौरव को मार डाला है। और उसके बाद वो दुर्बा की माँ को भारतीय सिद्धि को स्वयं दुबे को भर जाती है और वे सदाशिव ने आकृति पर हमला था भाई ड्रग ने टेकर और कई वीडियो को चलाते हैं। मैं फिल्म देख खुद को मार डालूंगा लेकिन ये उतना बुरा नहीं था जिसमें मैंने चुना था। मैंने उसी सुनील गोबर से बहुत उम्मीद थी कि वो फिल्म को अधिकांश भाग में उस पर देखने हुआ। उसके झा ने फिल्म को 5/5 रेटिंग दिल्ली का काफ़ी बिड दी। एक अधूरे प्रोत्साहित असंसाहित के तहत है जो उसका था। ये भारत के सबसे बड़े भगौड़े और सबसे भरफेल पक्षपात के ये भी मनोरंजन पत्र था। आकाश इसे हास्य स्पष्ट के गोद में कूदने के लिए और अधिक जगह की अनुमति दी गई होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने इसे 2.5 रेटिंग देते हुए लिखा कि उसे दाऊद इब्राहिम के कहीम के कहते हुए साहित्य प्रयास के इसने कई सहित नहीं है लेकिन क्या ये सफल प्रयास है मुश्किल है। Fallywood.com ने फिल्म को 2.5 पर 5 रेटिंग देते हुए कहा कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल व्यक्तित्व के अंडरवर्ल्ड अपूर्ण को स्पष्ट रूप में गलत व्याख्या के अलावा DCD संस्करण के सार और गहराई के अभाव में हालांकि जाकिर हुसैन की भावना संतोषजनक है लेकिन चरित्र विकास चाहिए पर्याप्त रूप से सहसित है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के बारे में बहुत कम शोध किया गया। यदि आप लगभग 3 दशकों की हिट सूची में शामिल किसी घुपिट जॉन के कुछ कठिन प्रश्नों पूछते हैं तो उसे डिकोड करने जा रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग और भावना को ठीक करने की आवश्यकता हो सुनाती है। सबसे बजाय निर्देशक विशाल मिश्रा दिखा दे कैसे उन्हें डी का मूल्यांकन करने का कोई दिलचस्पी नहीं है और कैसे वो गिरोह का राष्ट्रों को अपमानित करने का नफरत करते हैं। कर कोई मई की फिल्म को 1.5 की रेटिंग देती और लिखा कि काफ़ी बीट डी सर्ती से है लौटने योग्य है। इस पर
अपना पैसा बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित बस ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए लिखा कि ये कैरन किरच के डी और इसके हरकतों खराब साउंड डिजाइनों के साथ काफ़ी बीट डी के अंत में कभी नहीं होगा। ये एक मज़ेदार फिल्म की सकती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इसे 1.5 की फाइव रेटिंग देती और लिखा उसके बजाय कुचिंग को कैपुचिंग पर अपना पैसा खर्च करें और अपने मस्तिष्क की कोशिशों के बचाएं। Rediff.com ने भी इसे 1.5 की रेटिंग देते लिखा कि काफ़ी बीती की कथानक खराब नहीं है लेकिन ये बेहतर ऑन स्क्रीन अनुवाद के साथ काम करना है। जो बात फिल्म को निराश करते हैं वो इसके सैम को के खाली घर में खबर बरपाया सुनील घर। जब सैम ने बच्ची को अपने घर में कुछ सामान के साथ देखा तो उसे अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के संदेह हो गया। इसमें मिट्टू को पकड़ लिया और उसके दम घोटकर मार डाला। कमल भागने में सफल होता लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सैम मिट्टू गला घोटकर मारने की कोशिश करता है तो वो चट्टान लेकर वापस आता है और सैम पर जोर से प्रहार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम खींचकर स्कूल मास्टर के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैम के रूप में श्वेता त्रिपाठी, छात्रा संध्या की पत्नी सुनीता के रूप में त्रिपाठी अंधकारी, अनिल के रूप में श्री आसान, संध्या के पिता प्रेमिका, हमारा खोर के साउंडट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किदरे जवान जिसमें सेसफिल जजे ने संगीतबद्ध किया गया था जिसमें वो आदित्य शर्मा लिखे थे। न्यूज 18 के जजे मसद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी आयदा हुआ है जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन है। एसा त्रिपाठी ने मुभित उपनेश युवा के किशोरी के रूप में अच्छी भाव में है जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है लेकिन ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज्यादा समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ध्येय ताकत है तो उसे फिल्म के रोहित बस ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे उस तोरण धार पर चलाती है। एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस ये नहीं करना चाहिए। भले ही भी सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा की किस तरह कुशलता के साथ एक नए विषय की खोज कर रहे होते और फिल्म को 5.5 रेटिंग दी और सुचित विजय ने इसने मयंक भारण का फिल्म को 10 में से 7 रेटिंग दी और भारणा को अभिनेताओं के प्रदर्शन की आकर्षित बताते हुए उनकी प्रशंसा की लेकिन कहा कथानक के निरस होने के प्रवृत्ति होने के एक व्यवसाय की श्रृंखला में राहत ने कहा कि वो भारत वापस आए वो यहाँ योगदान देना चाहते थे उन्हें घर जैसा महसूस नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले दिन विक्की के मंगेतर निवेदा निवी सिंह ने बीच खिखी समझौता होती और वो उस पर कायर होने के हिंसा को में शामिल होने के आरोप लगाते हैं। क्रोधित विक्की ने निवी को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे निवी के पिता ज्ञान सिंह जो भंगवत राजनीति दल के नेता है जब फोन आता है वो विक्की को चंदन से छुटकारा पाने की सलाह देता है लेकिन विक्की का तर्क है कि चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ ज्ञान सिंह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को बुला है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है। ज्ञान सिंह को अगली बार निवी फोन करता है और कुछ समझौता की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी के लिए रजनी सुप्रदी लेकिन फ़ोन देख लेते हैं। उस गुस्से में उसकी तस्वीर तोड़ देता। चंदन ने विक्की को फ़ोन किया और बताया कि वो विक्की के फार्म हाउस पर है और थोड़ी देर के लिए सो रहा है। जी जॉर्ज जीजी टेनिस और एस थामंदर तैयार किया गया था जबकि गीत संगीत अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक में 1996 में दो गाने रिमेक आँख मारे मूल रूप से फिल्म के तेरे मेरे सपने और नुसरत फतेह अली खान के कलाब का बाली गाने तेरे बिन सिम्बा को 27 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग विश्वविरसित के देश में रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट और दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली लेकिन ये 2018 में सिंह के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआत फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई की जो अब तक की 25 भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। खंगरव सिम्बा भालरा और रामवीर सिंह शिवगर का एक वीर विरोधी अनाथ वही साहस चंदा बाजीराव के सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वो देखता है कि पुलिस का रिश्वत के रूप में पैसा के कमाते वो ये पता चलता है उन्होंने खुद एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया और सफल हुए। कुछ स्थानीय चोरे और एक जोड़ी से रिश्वत लेने के सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। सिम्बा को जल्द ही गृहमंत्री विनायक ठेकेदार के द्वारा गंभीर रूप से मिर्दार स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वो सासून ठाणे सारा अली खान के देखता है। पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। वो अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसके एक कनिष्ठ निबंधक मोहिल आशुतोष राणा जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने की झिझकता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। सिमिरासत में अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहादुरबा नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए गए जा रहे थे। वो पार्टी में बाधा डालता है। बैंकशत राणा
फर्नांडिस, सोनू सूद के भाई सदाशिव सदा फर्नांडिस, अमृतलाल सिंह और गौरव सिंह के अनवे सौरभ शुक्ला है, उनके अधिक पैसे की मांग करते हैं जिसके वादा करते हैं वो उन्हें उनकी अवैध गतिविधियों को जारी रखना देता है। दुर्बा सहमत हो जाते हैं और बामत बामन राव तालपारे नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि के मुक्त करने के लिए सिम्बा का उपयोग करते हैं, जिससे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच सिम्बा कई महिलाओं पर लड़कियों के साथ मृत और बहन जैसे संबंध विकसित करता है, जिसने एक आकृति देवे बेहदी परमुशुराम के होते जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपनी शिक्षा की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने बम में अवैध दबाव के कारोबार करने के बच्चों को तस्करी के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करते हैं। दुर्बा द्वारा मनाए जाते हैं बाद सिम्बा शुरू में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इस बीच शगुन की उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच और ब्लब के ड्रग्स टेकर के बारे में पता चलता है कि वो एक रात छोदू नाम के मुख्य लड़के हैं जो उसके छात्र जो साथ जहां रहती है, वो पुलिस को सबूत दिखाने के लिए उसके सेल फोन से बाहर हर चीज़ का वीडियो टेप करती है, लेकिन सदा द्वारा पकड़ लिया जाता है। छोदू उन्हें सदा और मिगीवी को वकृति पर हमला करते हुए चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया है और दोनों का एहसास होता है कि भाग्य सदा और गिरी एक आकृति के साथ बेहरमी से बलात्कार किया। छोटू आकृति की दोस्त काव्य नेहा महाजन के आकृति के खतरे से में होने के बारे बताती है, कोशिश करता है। दुर्बा की गुंडे द्वारा पीछा किया जाने के काव्य आकृति की गुम सुदगी शिकायत दर्ज करने के लिए सिम्बा के पास जाती है। आकृति अस्पताल में घायल अवस्था में पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है, जिससे वो टूट जाता है। पुलिस आकृति का फोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो महारत कर लेते हैं। वो दुर्बा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है, अपने तरीकों के सुधारने और उन सभी को लड़ता है। सिम्बा अंततः अपनी पुलिस का वर्दी पहनता है और उसे इस बदलाव के देखकर मोहित अंततः उसे सलाम करता है क्योंकि वे सदा और गिरी को गिरफ्तार करते हैं। वो वामन द्वारा उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे छनी गई जमीन वापस कर देता है। अदालत में सिम्बा आकृति का वीडियो डिलीट होने के दौरान जाती है और इससे दुर्गा के दोस्त कॉर्पोरेटिंग वेडिंग कमरून बिजनेस शर्मा के पिटाई की, जिसने अदालत में गलत बयान दिया था जिसने कारण उसे निवृत्त कर दिया गया। वो जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाते हैं। वो उन दोनों को गोली मार देता है और ऐसा हमारा खोर के साउंडट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किदरे जवान, जिसमें सेसपिल जजन ने संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें वोल आदित्य शर्मा लिखे थे। न्यूज 18 के जजिम मसद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी आयदा हुआ है जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन है। ऐसा त्रिपाठी ने मुहित उपनेश युवा के किशोरी के रूप में अच्छी भारण में है जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है, लेकिन यह नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज़्यादातर समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ताकत है। तो उसे फिल्म के रोहित बंस ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे उस तोरण ने धार पर चलाती है एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस नहीं करना चाहिए, भले ही भी सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा की किस तरह कुशी चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ ज्ञान सिंह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को बुलाता है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है। ज्ञान सिंह को अगली बार निकी फ़ोन करता है और कुछ हमने बच्ची को अपने घर में कुछ सामान के साथ देखा तो उसे अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के हो गया। इसमें मिट्टू को पकड़ लिया और उसके दम घोटकर मार डाला। कमल भागने में सफल होता है लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सैम मिट्टू का गला घोटकर मारने की कोशिश करता है तो वो चट्टान लेकर वापस आता है और सैम पर जोर से प्रहार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम खींचकर स्कूल मास्टर के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैम के रूप में श्वेता त्रिपाठी, छात्रा संध्या की पत्नी सुनीता के रूप में त्रिपाठी अंधकारी, अनुगुरु में श्री अक्षर, संध्या के पिता प्रेमिका, हमारा खोर के साउंडट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किदरे जवान, जिसमें सेसपिल जजन ने संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें वोल आदित्य शर्मा लिखे थे। न्यूज 18 के जजिम मसद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी आयदा हुआ है जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन है। ऐसा त्रिपाठी ने मुहित उपनेश युवा के किशोरी के रूप में अच्छी भारण में है जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है, लेकिन यह नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज़्यादा समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ताकत है। तो उसे फिल्म के रोहित बंस ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे
उस तोरण ने धार पर चलाती है। एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस नहीं करना चाहिए, भले ही सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा की किस तरह कुशलता के साथ एक नए विषय की खोज कर रहे होते। और फिल्म को 5.5 रेटिंग दी और सुशीत विजय ने इसने मयंक भारत का फिल्म 10 में से 7 रेटिंग दी। अवधारणा को अभिनेताओं के प्रदर्शन की आकर्षित बताते हुए उनकी प्रशंसा की, लेकिन कहा कथाना के निरस होने के प्रवृत्ति होने के एक व्यवसाय की श्रृंखला में राहत ने कहा कि वो भारत वापस आए, वो यहाँ योगदान देना चाहते थे, उन्हें घर जैसा महसूस नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले दिन विक्की के मंगेतर निवेदा निवी सिंह ने बीच खिखी समझौता होती और वो उस पर कायर होने के हिंसा को में शामिल होने के आरोप लगाते हैं। क्रोधित विक्की ने निवी को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे निवी के पिता ज्ञान सिंह जो भंगवत राजनीति दल के नेता है, जब फोन आता है वो विक्की को चंदन से छुटकारा पाने की सलाह देता है। लेकिन विक्की का तर्क है कि चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ ज्ञान सिंह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को आता है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है। ज्ञान सिंह को अगली बार निवी फोन करता है और कुछ समझौता की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी के लिए रजनी सुपरती, लेकिन फ़ोन देख लेते और गुस्से में उसकी तस्वीर तोड़ देता। चंदन ने विक्की को फ़ोन किया और बताया कि वो विक्की के फार्म हाउस पर है और थोड़ी देर के लिए सो रहा है। जी जॉर्ज जीजी टेनिस और एस थामन तैयार किया गया था, जबकि गीत संगीत अहमद रश्मि वीरा कुमार और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक में 1996 में दो गाने रिमेक आँख मारे मूल रूप से फिल्म के तेरे मेरे सपने और नुसरत फतेह अली खान के कला का बाली गाने तेरे बिन सिम्बा को 27 दिसंबर 2018 को खारी सहयोग विश्वविद्यालय के देश में रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन ये 2018 में सिंह के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआत फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई की, जो अब तक की 25 भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया विपणन के स्लाइस अवार्ड मिला। खंगरव सिम्बा भालेरा और रामवीर सिंह शिवगर का एक वीर विरोधी अनाथ वही साहसिंदा बाजीराव के सिंघम का पालन पोषण हुआ था, जहां वो देखता है कि पुलिस का रिश्वत के रूप में पैसा के कमाते वो ये पता चलता है। उन्होंने खुद एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया, सफल हुए। कुछ स्थानीय चोरे और एक जोहरी से रिश्वत लेने के सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। सिम्बा को जल्द ही गृहमंत्री विनायक ठेकेदार के द्वारा गंभीर रूप से मिर्दार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां वो सासून ठाणे सारा अली खान के देखता है। पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। वो अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसके एक कनिष्ठ निबंधक मोहिल आशुतोष राणा जो एक ईमानदार कांस्टेबल है, सिम्बा को सलाम करने की झिझकता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। सिमिरासत में अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहादुरबा नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए गए जा रहे थे। वो पार्टी में बाधा डालता है। रानाडे सोनू सूद के भाई सदाशिव सदास रानाडे अमृतलाल सिंह और गौरव सिंह के अनवे सौरभ शुक्ला है उनके अभी पैसे की मांग करते हैं, जिसके वादा करते हैं वो उन्हें उनके अवैध गतिविधियों को जारी रखना देता है। दुर्बा सहमत हो जाते और बामत बामन राव तालफारे नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि के मुक्त करने के लिए सिम्बा को उपयोग करते हैं, जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच सिम्बा कई महिलाओं पर लड़कियों के साथ मृत और बहन जैसे संबंध विकसित करता है, जिसने एक आकृति बेहदी मुशीराम के होते हैं, जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपनी शिक्षा की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने बम में अवैध दबाव के कारोबार करने के बच्चों को तस्करी के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करते हैं। दुर्बा द्वारा मनाए जाते हैं बाद सिम्बा शुरू में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी बीच शगुन की उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच और ब्लॉक के ड्रग्स टेकर के बारे में पता चलता है कि वो एक रात छोदू नाम के मुख्य लड़के हैं जो उसके छात्र जो साथ जहां रहती है। वो पुलिस को सबूत दिखाने के लिए उसके सेल फोन से बाहर हर चीज़ का वीडियो टेप करती है, लेकिन सदा द्वारा पकड़ लिया जाता है। छोदू ने सदा और मिगी को वकृति पर हमला करते हुए चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया है और दोनों का एहसास होता है कि भाग्य सदा और गिरी एक आकृति के साथ बेहरमी से बलात्कार किया। छोटू आकृति की दोस्त काव्या नेहा महाजन के आकृति के खतरे से में होने के बारे बताती है, कोशिश करता है दुर्बा की गुंडे द्वारा पीछा किया जाने के काव्या आकृति की
सुद की शिकायत दर्ज कराने के लिए सिम्बा के पास जाती है। आकृति अस्पताल में घायल अवस्था में पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है जिससे वो टूट जाता है। पुलिस आकृति का फोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो महारत कर लेते हैं। वो दुर्वा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है। अपने तरीकों के सुधारने और उन सभी को लड़ता है। सिम्बा अंततः अपनी पुलिस का वर्दी पहनता है और उसे इस बदलाव के देखकर मोहित अंततः उसे सलाम करता है क्योंकि वे सदा और गिरी गिरफ्तार करते हैं। वो वामन द्वारा उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे छनी गई जमीन वापस कर देता है। अदालत में सिम्बा आकृति का वीडियो डिलीट होने के दौरान जाती है और इससे दुर्गा के दोस्त कॉर्पोरेटिंग वेडिंग कमरून बिजनेस शर्मा की पिटाई की जिसने अदालत में गलत बयान दिया था जिसके कारण उसे निवृत्त कर दिया गया। वो जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाते हैं। वो उन दोनों को गोली मार देता है और ऐसा दिखाते हैं कि उसे उसने आत्महत्या के कार्यों में उन्हें मार डाल। राज्य द्वारा एक SIT समिति के गठन किया जाता है जो सिम्बा को एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाते हैं। स्थिति को स्पष्ट के उद्देश्यों से विनायक आकृति के मामले साथ ही सिम्बा के विवाद फर्स्ट मुठभेड़ के मारने के लिए एक तटस्थ अधिकारी के नियुक्त करता है और क्रोधित होकर दुर्गा और उसके गुंडे सिम्बा को पकड़ लेते हैं। अचानक ने DCP बाई राजोग सिंह अजय देवगन ने उसे बचाने के लिए आता है और दोनों को ने दुर्गा और उसके लोगों ने पिटाई की। सिंघम सिम्बा को बचाते हैं और वो उसके मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त तटस्थ अधिकारी है और बयान देता है कि सिम्बा ने आत्महत्या के कार्य में आसिफ और गौरव को मार डाला है। और उसके बाद वो दुर्गा की माँ को भारतीय शिक्षा सेना की बर्फबंदी को स्वर्ग दुबे को भर जाती है और वे आसिफ ने आकृति पर हमला था भाई ड्रग ने टेकर और कई वीडियो को चलाते हैं। मैं फिल्म देख खुद को मार डालूंगा लेकिन ये उतना बुरा नहीं था जिसमें मैंने चुना था। मैंने उसी सुनील गोबर से बहुत उम्मीद थी कि वो फिल्म को अधिकांश भाग में उस पर देखने हुआ। उसके झा ने फिल्म को 5/5 रेटिंग दिल्ली का काफ़ी बीट दी। एक अधूरे प्रकाशित संसारित के तहत है जो उसका था। ये भारत के सबसे बड़े भगौड़े और सबसे भरफेल पक्षपात के ये भी मनोरंजन पत्र था। आकाश इसे हास्यस्पष्ट के गोद में कूदने के लिए और अधिक जगह की अनुमति दी गई होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने इसे 2.5 रेटिंग देते हुए लिखा कि इसे दाऊद इब्राहिम के कहीम के कहते हुए साहित्यिक प्रयास के इसने कई सहित नहीं है लेकिन क्या ये सफल प्रयास है मुश्किल है। Fallywood.com ने फिल्म को 1.5/5 रेटिंग देते हुए कहा कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल व्यक्तित्व के अंडरवर्ल्ड अपहरण को स्पष्ट रूप में गलत व्याख्या के अलावा CWD के डी संस्करण के सार और गहराई के अभाव में। हालांकि जाकिर हुसैन की भावना को संतोषजनक है लेकिन चरित्र विकास चाहिए पर्याप्त रूप से सहसित है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के बारे में बहुत कम शोध किया गया। यदि आप लगभग 3 देशों की हिट सूची में शामिल किसी घुपिट जॉन के कुछ कठिन प्रश्नों पूछते हैं तो उसे डिकोड करने जा रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग और भावना को ठीक करने की आवश्यकता हो सुनाती है। सबसे बजाय निर्देशक विशाल मिश्रा दिखा दे कैसे उन्हें डी का मूल्यांकन करने का कोई दिलचस्पी नहीं है और कैसे वह गिरोह का राष्ट्रों को अपमानित करने का नफरत करते हैं। कर कोई मुई की फिल्म को 1.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि काफ़ी बीट डी शर्ती से है लौटने योग्य है। इस पर अपना पैसा बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित बस ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए लिखा कि ये कैरन किरच के डी और उसके हरकतों खराब साउंड डिजाइनों के साथ काफ़ी बीट डी के अंत में कभी नहीं होगा। ये एक मज़ेदार फिल्म की शक्ति है। फाइनेंशियल फॉर्मस के इसे 1.5 की 5 रेटिंग देती और लिखा उसके बजाय कुचिंग को कैपुचिंग पर अपना पैसा खर्च करें और अपने मस्तिष्क की कोशिशों के बचाएं। Rediff.com ने भी इसे 1.5 की रेटिंग देते लिखा कि काफ़ी बीट डी की कथानक खराब नहीं है लेकिन ये बेहतर ऑन स्क्रीन अनुवाद के साथ काम करना है। जो बात फिल्म को निराश करते हैं वो इसके सैम को के खाली घर में खार बरपाया सुनील घर। जब सैम ने बच्ची को अपने घर में कुछ सामान के साथ देखा तो उसे अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के संदेह हो गया। इसमें मिट्टू को पकड़ लिया और उसके दम घोटकर मार डाला। कमल भागने में सफल होता लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सैम मिट्टू गला घोटकर मारने की कोशिश करता है तो वो चट्टान लेकर वापस आता है और सैम पर जोर से प्रहार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम खिंचकर स्कूल मास्टर के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैम के रूप में श्वेता त्रिपाठी, छात्रा संध्या की पत्नी सुनीता के रूप में त्रिपाठी अंधकारी, अलगू रूप में श्रेयाक्षर, संध्या के पिता प्रेमिका, हमारा खोर के साउंडट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किदरे जवान जिसमें सेसफिल जजन ने संगीतबद्ध किया गया था जिसमें वोल आदित्य शर्मा लिखे थे। News 18 के जजिम मसद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी आयदा हुआ है जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन है। ऐसा त्रिपाठी ने मुहित उपनेश युवा के किशोरी के रूप में अच्छी फार्म में है जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है लेकिन ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज़्यादा
पैटर्न समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ध्येय ताकत है, तो उसे फिल्म के रोहित बंस ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे उस तोरण ने धार पर चलाती है एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस ये नहीं करना चाहिए, भले ही भी सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा की किस तरह कुशलता के साथ एक नए विषय की खोज कर रहे होते। और फिल्म को 5.5 रेटिंग दी और सुशीत विजय ने मयंक भारत का फिल्म का 10 में से 7 रेटिंग दी। अभारणा को अभिनेताओं के प्रदर्शन की आकर्षित बताते हुए उनकी प्रशंसा की, लेकिन कहा कथानक के निरस होने के होने के एक व्यवसाय की श्रृंखला में राहत ने कहा है कि वो भारत वापस आए, वो यहाँ योगदान देना चाहते थे, उन्हें घर जैसा महसूस नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले दिन विक्की के मंगेतर निवेदिता निवी सिंह ने बीच खींची समझौता होती और वो उस पर कायर होने के हिंसा को में शामिल होने के आरोप लगाते हैं। क्रोधित विक्की ने निवी को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे निवी के पिता ज्ञान सिंह जो भंगवत राजनीति दल के नेता है, जब फोन आता है वो विक्की को चंदन से छुटकारा पाने की सलाह देता है। लेकिन विक्की का तर्क है कि चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ ज्ञान सिंह के एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को आता है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है। ज्ञान सिंह को अगली बार निकी फोन करता है और कुछ समझौता की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी के लिए रजनी सुपरती, लेकिन फ़ोन देख लेते हैं और गुस्से में उसकी तस्वीर तोड़ देता। चंदन ने विक्की को फ़ोन किया और बताया कि वो विक्की के फार्म हाउस पर है और थोड़ी देर के लिए सो रहा है। जी जॉर्ज जीजी टेनिस और एस थामंदर तैयार किया गया था, जबकि गीत संगीत अहमद रश्मि बीरा कुमार और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक में 1996 में दो गाने रिमेक आँख मारे मूल रूप से फिल्म के तेरे मेरे सपने और नुसरत फतेह अली खान के कलाब का बाली गाना तेरे बिन सिम्बा को 27 दिसंबर 2018 को खारी सहयोग विश्व विरसित के देश में रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन ये 2018 में सिंह के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआत फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई की, जो अब तक की 25 भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया विपणन के स्लाइस अवार्ड मिला। खंगरव सिम्बा भालरा और रामवीर सिंह शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ वही साहसिंदा बाजीराव के सिंघम का पालन पोषण हुआ था, जहां वो देखता है कि पुलिस का रिश्वत के रूप में पैसा के कमाते वो ये पता चलता है। उन्होंने खुद एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया और सफल हुए। कुछ स्थानीय चोरे और एक जोहरी से रिश्वत लेने के सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। सिम्बा को जल्द ही गृहमंत्री विनायक ठेकेदार के द्वारा गंभीर रूप से मिर्जदार स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां वो सासून ठाणे सारा अली खान के देखता है। पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। वो अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसके एक कनिष्ठ निबंधक मोहिल आशुतोष राणा जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने की झिझकता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। सिमियासत में अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहादुरबा नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए गए जा रहे होते हैं। वो पार्टी में बाधा डालता है। बैंकशत रानाडे सोनू सूद के भाई सदाशिव सदास रानाडे अमृतलाल सिंह और गौरव सिंह के अनवेश सौरभ शुक्ला है उनके अभी पैसे की मांग करते हैं, जिसके वादा करते हैं वो उन्हें उनके अवैध गतिविधियों को जारी रखना देता है। दुर्बा सहमत हो जाते हैं और बामन राव तालफारे नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि के मुक्त करने के लिए सिम्बा का उपयोग करते हैं, जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर सख्ताखर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच सिम्बा कई महिलाओं पर लड़कियों के साथ मृत और बहन जैसे संबंध विकसित करता है, जिसने एक आकृति बेहदी मुशीराम के होते हैं जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपनी शिक्षा की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने बम में अवैध दबाव के कारोबार करने के बच्चों को तस्करी के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करते हैं। दुर्बा द्वारा मनाए जाते हैं बाद सिम्बा शुरू में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी बीच शगुन की उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच और ब्लॉप के ड्रग्स टेकर के बारे में पता चलता है कि वो एक रात छोदू नाम के मूक लड़के हैं जो उसके छात्र जो साथ जहां रहती है। वो पुलिस को सबूत दिखाने के लिए उसके सेल फोन से बाहर हर चीज़ का वीडियो टेप करती है, लेकिन सदा टीटा द्वारा पकड़ लिया जाता है। छोदू ने सदा और मिगी को वकृति पर हमला करते हुए चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया है और का एहसास होता है कि भाग्य सदा और गिरी एक आकृति के साथ बेहरमी से बलात्कार किया। छोटू आकृति की दोस्त काव्या नेहा महाजन के आकृति के खतरे से में होने के बारे बताती है, कोशिश करता है। दुर्बा की गुंडे द्वारा पीछा किया जाने के काव्या आकृति की
सुद की शिकायत दर्ज कराने के लिए सिम्बा के पास जाती है। आकृति अस्पताल में घायल अवस्था में पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है जिससे वो टूट जाता है। पुलिस आकृति का फोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो महारत कर लेते हैं। वो दुर्वा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है। अपने तरीकों के सुधारने और उन सभी को लड़ता है। सिम्बा अंततः अपनी पुलिस का वर्दी पहनता है और उसे इस बदलाव के देखकर मोहित अंततः उसे सलाम करता है क्योंकि वे सदा और गिरी गिरफ्तार करते हैं। वो वामन द्वारा उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे छनी गई जमीन वापस कर देता है। अदालत में सिम्बा आकृति का वीडियो डिलीट होने के दौरान जाती है और इससे दुर्गा के दोस्त कॉरपोरेटिंग वेडिंग कमरून बिजनेस शर्मा की पिटाई की जिसने अदालत में गलत बयान दिया था जिसके कारण उसे निलंबित कर दिया गया। वो जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाते हैं। वो उन दोनों को गोली मार देता है और ऐसा दिखाते हैं कि उसे उसने आत्महत्या के कार्यों में उन्हें मार डाल। राज्य द्वारा एक SIT समिति के गठन किया जाता है जो सिम्बा को एनकाउंटर को सवाल उठाते हैं। स्थिति को स्पष्ट के उद्देश्यों से विनायक आकृति के मामले साथ ही सिम्बा के विवाद फर्स्ट मुठभेड़ के मारने के लिए एक तटस्थ अधिकारी के नियुक्त करता है और क्रोधित होकर दोबारा उसके गुंडे सिम्बा को पकड़ लेते हैं। अचानक DCP बाई इराजो के सिंह अजय देवगन उसे बचाने के लिए आता है और दोनों को दुर्बा और उसके लोगों ने पिटाई की। सिंह सिम्बा को बचाते हैं और वो उसके मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त तटस्थ अधिकारी है और बयान देता है कि सिम्बा ने आत्महत्या के कार्य में राशिप और गौरव को मार डाला है। और उसके बाद वो दुर्बा की माँ को भारतीय शिक्षा सेना की बर्फबंदी को स्वयं दुबे की भर जाती है और वे राशिप ने आकृति पर हमला था भाई ड्रग ने टेकर और कई वीडियो को चलाते हैं। मैं फिल्म देख खुद को मार डालूंगा लेकिन ये उतना बुरा नहीं था जिसमें मैंने चुना था। मैंने उसी सुनील गोबर से बहुत उम्मीद थी कि वो फिल्म को अधिकांश भाग में उस पर देखने हुआ। उसके झा ने फिल्म को 5/5 रेटिंग दिल्ली का काफ़ी वृद्धि दी। एक अधूरे प्रोत्साहित असंसारित के तहत है जो उसका था। ये भारत के सबसे बड़े भगौड़े और सबसे भरफेल वक्तवाद के लिए भी मनोरंजन पत्र था। आकाश इसे हास्यस्पष्ट के गोद में कूदने के लिए और अधिक जगह की अनुमति दी गई होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने इसे 2.5 रेटिंग देते हुए लिखा कि उसे दाऊद इब्राहिम के कहीं के कहते हुए साहित्य प्रयास के इसने कई सहित नहीं है लेकिन क्या ये सफल प्रयास है मुश्किल है। Fallywood.com ने फिल्म को 2.5/5 रेटिंग देते हुए कहा कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल व्यक्तित्व के अंडरवर्ल्ड अपहरण के स्पष्ट रूप में गलत व्याख्या के अलावा D संस्करण के सार और गहराई के अभाव में हालांकि जाकिर हुसैन की भावना संतोषजनक है लेकिन चरित्र विकास चाहिए पर्याप्त रूप से सहसित है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के बारे में बहुत कम शोध किया गया। यदि आप लगभग 3 देशों की झीट सूची में शामिल किसी घुपित जॉन के कुछ कठिन प्रश्नों पूछते हैं तो उसे डिकोड करने जा रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग और भावना को ठीक करने की आवश्यकता हो सुनाती है। सबसे बजाय निदेशक विशाल मिश्रा दिखा दे कैसे उन्हें डी का मूल्यांकन करने का कोई दिलचस्पी नहीं है और कैसे वह गिरोह का राष्ट्रों का अपमानित करने का नफरत करते हैं। कर कोई मई की फिल्म को 1.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि काफ़ी बीडी सर्दी से है लौटने योग्य है। इस पर अपना पैसा बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित बस ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए लिखा कि ये कैरन किरेची के डी और उसके हरकतों खराब साउंड डिजाइनों के साथ काफ़ी बीट डी के अंत में कभी नहीं होगा। ये एक मज़ेदार फिल्म की शक्ति है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इसे 1.5 की फाइव रेटिंग देती है और लिखा उसके बजाय कुछ को कैपुचिंग पर अपना पैसा खर्च करें और अपने मस्तिष्क की कोशिशों के बचाएं। Rediff.com ने भी इसे 1.5 की रेटिंग देते लिखा कि काफ़ी बीट डी की कथानक खराब नहीं है लेकिन ये बेहतर ऑन स्क्रीन अनुवाद के साथ काम करना है। जो बात फिल्म को निराश करते हैं वो इसके सैम को के खाली घर में खार भरवाया सुनील घर। जब सैम ने बच्ची को अपने घर में कुछ सामान के साथ देखा तो उसे अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के संदेह हो गया। इसमें मिट्टू को पकड़ लिया और उसके दम घोट कर मार डाला। कमल भागने में सफल होता लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सैम मिट्टू गला घोट कर मारने की कोशिश करता है तो वो चट्टान लेकर वापस लाता है और सैम पर जोर से प्रहार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम खिंचकर स्कूल मास्टर के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैम के रूप में श्वेता त्रिपाठी, छात्रा संध्या की पत्नी सुनीता के रूप में त्रिपाठी अंधकारी, अलग रूप में श्रेया घोषाल संध्या के पिता प्रेमिका हमारा खोर के साउंडट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किदरे जवान जिसमें सेसफिल जर्जर ने संगीतबद्ध किया गया था जिसमें वोल आदित्य शर्मा लिखे थे। News 18 के जर्जिम मसद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी फायदा हुआ है जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन है। ऐसा त्रिपाठी ने उपन्यास युवक या किशोरी के रूप में अच्छी फार्म में है जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है लेकिन ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज़्यादा
ज़्यादातर समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ध्येय ताकत है, तो उसे फिल्म के रोहित बंस ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे उस तोरण ने धार पर चला दिया, एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस ये नहीं करना चाहिए, भले ही भी सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा के किस तरह कुशलता के साथ एक नए विषय की खोज कर रहे होते। और फिल्म को 5.5 रेटिंग दी और सुशीत विजय ने मयंक भारत के फिल्म को 10 में से 7 रेटिंग दी और भारत को अभिनेताओं के प्रदर्शन के आकर्षित बताते हुए उनकी प्रशंसा की, लेकिन कहा कथानक के निरस होने के प्रवृत्ति होने के एक व्यवसाय की श्रृंखला में राहत ने कहा कि वो भारत वापस आए वो यह योगदान देना चाहते थे, उन्हें घर जैसा महसूस नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले दिन विक्की के मंगेतर निवेदिता निवी सिंह ने बीच खींची समझौता होती और वो उस पर कायर होने के हिंसा को में शामिल होने के आरोप लगाते हैं। क्रोधित विक्की ने निवी को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे निवी के पिता ज्ञान सिंह जो भंगवत राजनीति दल के नेता है, जब फोन आता है वो विक्की को चंदन से छुटकारा पाने की सलाह देता है, लेकिन विक्की का तर्क है कि चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ ज्ञान सिंह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को बुला है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है। ज्ञान सिंह को अगली बार निवी फोन करता है और कुछ समझौता की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी के लिए रजनी नमस्ते, लेकिन फ़ोन देख लेते हैं और गुस्से में उसकी तस्वीर तोड़ देता। चंदन ने विक्की को फ़ोन किया और बताया कि वो विक्की के फार्म हाउस पर है और थोड़ी देर के लिए सो रहा है। जी जॉर्ज जी टेनिस और एस थामंदर तैयार किया गया था, जबकि गीत संगीत अहमद रश्मि बीरा कुमार और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक में 1996 में दो गाने रिमेक आँख मारे, मूल रूप से फिल्म के तेरे मेरे सपने और नुसरत फतेह अली खान के कला का बाली गाने तेरे बिन सिम्बा को 27 सितंबर 2018 को खाड़ी सहयोग विश्वविद्यालय के देश में रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट और दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन ये 2018 में सिंह के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआत फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई की, जो अब तक की 25 भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया विपिल्स के स्लाइस अवार्ड मिला। खंगरव सिम्बा भालेरा और रामवीर सिंह शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ वही साहसिंदा बाजीराव के सिंघम का पालन पोषण हुआ था, जहां वो देखता है कि पुलिस का रिश्वत के रूप में पैसा के कमाते वो ये पता चलता है। उन्होंने खुद एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया और सफल हुए। कुछ स्थानीय चोरे और एक जोड़ी से रिश्वत लेने के सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। सिम्बा को जल्द ही गृहमंत्री विनायक ठेकेदार के द्वारा गंभीर रूप से मिर्दार स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां वो सासून ठाणे सारा अली खान के देखता है। पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। वो अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसके एक कनिष्ठ निबंधक मोहिल आशुतोष राणा जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने की झिझकता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। सिमिरासत में अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहादुरवा नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए गए जा रहे थे। वो पार्टी में बाधा डालता है। रानाडे सोनू सूद के भाई सदाशिव सदा रानाडे अमृतलाल सिंह और गौरव सिंह के अन्य सौरभ शुक्ल है उनके अभी पैसे की मांग करते हैं, जिसके वादा करते हैं वो उन्हें उनके अवैध गतिविधियों को जारी रखना देता है। दुर्बा सहमत हो जाते हैं और बामन राव तालफारे नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि के मुक्त करने के लिए सिम्बा का उपयोग करते हैं, जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर सख्ताकर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच सिम्बा कई महिलाओं पर लड़कियों के साथ मृत और बहन जैसे संबंध विकसित करता है, जिसने एक आकृति देवी मुशीराम के होते जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपनी शिक्षा की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने बम में अवैध दबाव के कारोबार करने के बच्चों को तस्करी के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करते हैं। दुर्बा द्वारा मनाए जाते हैं बाद सिम्बा शुरू में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी बीच शगुन की उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच और ग्लोब के ड्रग्स टेकर के बारे में पता चलता है कि वो एक रात छोदू नाम के मूक लड़के हैं जो उसके छात्र जो साथ जहां रहती है। वो पुलिस को सबूत दिखाने के लिए उसके सेल फोन से बाहर हर चीज़ का वीडियो टेप करती है, लेकिन सदा द्वारा पकड़ लिया जाता है। छोदू ने सदा और मिगीवी को वकृति पर हमला करते हुए चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया है और दोनों का एहसास होता है कि भाग्य सदा और गिरी एक आकृति के साथ बेहरमी से बलात्कार किया। छोटू आकृति की दोस्त काव्य नेहा महाजन के आकृति के खतरे से में होने के बारे बताती है, कोशिश करता है। दुर्बा की गुंडे द्वारा पीछा किया जाने के काव्य आकृति की
खुद की शिकायत दर्ज कराने के लिए सिम्बा के पास जाती है। आकृति अस्पताल में घायल अवस्था में पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है जिससे वो टूट जाता है। पुलिस आकृति का फोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो महारत कर लेते हैं। वो दुर्वा अपने गुंडों को सिम्बा से फोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है अपने तरीकों के सुधारने और उन सभी को लड़ता है। सिम्बा अंततः अपनी पुलिस का वर्दी पहनता है और उसे इस बदलाव के देखकर मोहित अंततः उसे सलाम करता है क्योंकि वे सदा और गिरफ्तार करते हैं। वो वामन द्वारा उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे छनी गई जमीन वापस कर देता है। अदालत में सिम्बा आकृति का वीडियो डिलीट होने के दौरान जाती है और इससे दुर्गा के दोस्त कॉर्पोरेटिंग वेडिंग कमरून बिजनेस शर्मा की पिटाई की जिसने अदालत में गलत बयान दिया था जिसके कारण उसे निलंबित कर दिया गया। वो जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाते हैं। वो उन दोनों को गोली मार देता है और ऐसा दिखाते हैं कि उसने आत्महत्या के कार्यों में उन्हें मार डाला। राज्य द्वारा एक SIT समिति के गठन किया जाता है जो सिम्बा को एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाते हैं। स्थिति को स्पष्ट के उद्देश्यों से विनायक आकृति के मामले साथ ही सिम्बा के विवाद फर्स्ट मुठभेड़ के मारने के लिए एक तटस्थ अधिकारी के नियुक्त करता है और क्रोधित होकर दुबार उसके गुंडे सिम्बा को पकड़ लेते हैं। अचानक ने DCP बाई इराजो के सिंह अजय देवगन उसे बचाने के लिए आता है और दोनों को दुबार उसके लोगों ने पिटाई की। सिंघम सिम्बा को बचाते हैं और वो उसके मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त तटस्थ अधिकारी है और बयान देता है कि सिम्बा ने आत्महत्या के कार्य में सदाशिव और गौरव को मार डाला है। और उसके बाद वो दुबा की माँ को भारतीय शिक्षा सेवन की बर्फबंदी को स्वर्ग दुबे की भर जाती है और वे सदाशिव ने आकृति पर हमला तथा भाई ड्रग ने टेकर और कई अभिधियों को चलाते हैं। मैं फिल्म देख खुद को मार डालूंगा लेकिन ये उतना बुरा नहीं था जिसमें मैंने चुना था। मैंने उसी सुनील गोबर से बहुत उम्मीद थी कि वो फिल्म को अधिकांश भाग में उस पर देखने हुआ। उसके झा ने फिल्म को 5/5 रेटिंग दिल्ली का काफ़ी बिड दी। एक अधूरे प्रोत्साहित असंसाहित के तहत है जो उसका था। ये भारत के सबसे बड़े भगौड़े और सबसे बर्फेल पक्षपात के ये मनोरंजन पत्र था। आकाश इसे हास्यस्पष्ट के गोद में कूदने के लिए और अधिक जगह की अनुमति दी गई होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने इसे 5 रेटिंग देते हुए लिखा कि उसे दाऊद इब्राहिम के कहीं के कहते हुए साहित्य प्रयास के इसने कई सहित नहीं है लेकिन क्या ये सफल प्रयास है मुश्किल है। Fallywood.com ने फिल्म को 1.5/5 रेटिंग देते हुए कहा कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल व्यक्तित्व के अंडरवर्ल्ड अपहरण के स्पष्ट रूप में गलत व्याख्या के अलावा D संस्करण के सार और गहराई के अभाव में हालांकि जाकिर हुसैन की भावना संतोषजनक है लेकिन चरित्र विकास चाहिए पर्याप्त रूप से सहसित है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के बारे में बहुत कम शोध किया गया। यदि आप लगभग 3 दशकों की झीट सूची में शामिल किसी घुपिट जॉन के कुछ कठिन प्रश्नों पूछते हैं तो उसे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग और भावना को ठीक करने की आवश्यकता हो सुनाती है। सबसे बजाय निर्देशक विशाल मिश्रा दिखा दे कैसे उन्हें डी का मूल्यांकन करने का कोई दिलचस्पी नहीं है और कैसे वो गिरोह का राष्ट्रों को अपमानित करने का नफरत करते हैं। कर कोई मई की फिल्म को 1.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि काफ़ी बीट डी शर्ती से है लौटने योग्य है। इस पर अपना पैसा बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित बस ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए लिखा कि ये कैरन किरच के डी और उसके हरकतों खराब साउंड डिजाइनों के साथ काफ़ी बीट डी के अंत में कभी नहीं होगा। ये एक मज़ेदार फिल्म की शक्ति है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इसे 1.5 की 5 रेटिंग देती और लिखा उसके बजाय कुछ को कैपुचिंग पर अपना पैसा खर्च करें और अपने मस्तिष्क की कोशिशों के बचाएं। Rediff.com ने भी इसे 1.5 की रेटिंग देते लिखा कि काफ़ी बीट डी की कथानक खराब नहीं है लेकिन ये बेहतर ऑन स्क्रीन अनुवाद के साथ काम करना है। जो बात फिल्म को निराश करते हैं वो इसके सैम को के खाली घर में खार बरपाया सुनील घर। जब सैम ने बच्ची को अपने घर में कुछ सामान के साथ देखा तो उसे अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के संदेह हो गया। इसमें मिट्टू को पकड़ लिया और उसके दम घोटकर मार डाला। कमल भागने में सफल होता लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सैम मिट्टू गला घोटकर मारने की कोशिश करता है तो वो चट्टान लेकर वापस आता है और सैम पर जोर से प्रहार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम खींचकर स्कूल मास्टर के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैम के रूप में श्वेता त्रिपाठी, छात्रा संध्या की पत्नी सुनीता के रूप में त्रिपाठी अंधकारी, अलीगढ़ में श्री आसान संध्या के पिता प्रेमिका हमारा खोर के साउंडट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किदरे जवान जिसमें सेसफिल जजे ने संगीतबद्ध किया गया था जिसमें वोल आदित्य शर्मा लिखे थे। News 18 के जजे मसद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी आयदा हुआ है जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन है। ऐसा त्रिपाठी ने उपनेश युवा के किशोरी के रूप में अच्छी फार्म में है जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है लेकिन ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज़्यादा
पैटर्न समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ध्येय ताकत है, तो उसे फिल्म के रोहित बंस ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे उस तोरण ने धार पर चलाती है एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस नहीं करना चाहिए, भले ही भी सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा के किस तरह कुशलता के साथ एक नए विषय की खोज कर रहे होते। और फिल्म को 5.5 रेटिंग दी और सुचित विजय ने मयंक भारत का फिल्म का 10 में से 7 रेटिंग दी और भारत को अभिनेताओं के प्रदर्शन के आकर्षित बताते हुए उनकी प्रशंसा की, लेकिन कहानी कथानक के निरस होने के प्रवृत्ति होने के एक व्यवसाय की श्रृंखला में राहत ने कहा कि वो भारत वापस आए वो यहाँ योगदान देना चाहते थे, उन्हें घर जैसा महसूस नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले दिन विक्की के मंगेतर निवेदिता निवी सिंह ने बीच खींची समझौता होती और वो उस पर कायर होने के हिंसा को में शामिल होने के आरोप लगाते हैं। क्रोधित विक्की ने निवी को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे निवी के पिता ज्ञान सिंह जो भगवत राजनीति दल के नेता है जब फोन आता है वो विक्की को चंदन से छुटकारा पाने की सलाह देता है, लेकिन विक्की का तर्क है कि चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ ज्ञान सिंह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को बुला ता है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है। ज्ञान सिंह को अगली बार निकी फोन करता है और कुछ समझौता की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी के लिए रजनी सुप्रदी लेकिन फ़ोन देख लेते हैं और गुस्से में उसकी तस्वीर तोड़ देता। चंदन ने विक्की को फ़ोन किया और बताया कि वो विक्की के फार्म हाउस पर है और थोड़ी देर के लिए सो रहा है। जी जॉर्ज जीजी टेनिस और एस थामंदर तैयार किया गया था जबकि गीत संगीत अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक में 1996 में दो गाने रिमेक आँख मारे मूल रूप से फिल्म के तेरे मेरे सपने और नुसरत फतेह अली खान के कलाब का बाली गाना तेरे बिन सिम्बा को 27 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग विश्वविरसित के देश में रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट और दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली लेकिन ये 2018 में सिंह के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआत फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ की कमाई की जो अब तक की 25 भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। खंगरव सिम्बा भालरा और रामवीर सिंह शिवगर का एक वीर विरोधी अनाथ वही साहसिंदा बाजीराव के सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वो देखता है कि पुलिस का रिश्वत के रूप में पैसा के कमाते वो ये पता चलता है उन्होंने खुद एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया और सफल हुए। कुछ स्थानीय चौड़े और एक जोड़ी से रिश्वत लेने के सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। सिम्बा को जल्द ही गृहमंत्री विनायक ठेकेदार के द्वारा गंभीर रूप से मिर्दार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वो सासून ठाणे सारा अली खान के देखता है। पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है। वो अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसके एक कनिष्ठ निबंधक मोहिल आशुतोष राणा जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने की झिझकता है क्योंकि वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। विरासत में अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहादुरबा नामक एक प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए गए जा रहे थे वो पार्टी में बाधा डालता है। रानाडे सोनू सूद के भाई सदाशिव सदा रानाडे अमृतलाल सिंह और गौरव सिंह के अनवे सौरभ शुक्ला है उनके अधिक पैसे की मांग करते हैं जिसके वादा करते हैं वो उन्हें उनके अवैध गतिविधियों को जारी रखना देता है। दुर्बा सहमत हो जाते हैं और बामन राव तालफारे नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि के मुक्त करने के लिए सिम्बा का उपयोग करते हैं जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच सिम्बा कई महिलाओं पर लड़कियों के साथ मृत और बहन जैसे संबंध विकसित करता है जिसने एक आकृति देवी बेहदी मुशीराम के होते जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपनी शिक्षा की याद दिलाती है। आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने बम में अवैध दबाव के कारोबार करने के बच्चों को तस्करी के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करते हैं। दुर्बा द्वारा मनाए जाते हैं बाद सिम्बा शुरू में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इस बीच शगुन की उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच और ब्लॉब के ड्रग्स टेकर के बारे में पता चलता है कि वो एक रात छोदू नाम के मूक लड़के हैं जो उसके छात्र जो साथ जहां रहती है वो पुलिस को सबूत दिखाने के लिए उसके सेल फोन से बाहर हर चीज़ का वीडियो टेप करती है लेकिन सदा द्वारा पकड़ लिया जाता है। छोदू ने सदा और मिगीवी को वकृति पर हमला करते हुए चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया है और दोनों का एहसास होता है कि भाग्य सदा और गिरी एक आकृति के साथ बेहरमी से बलात्कार किया। छोटू आकृति की दोस्त काव्य नेहा महाजन के आकृति के खतरे से में होने के बारे बताती है कोशिश करता है। दुर्बा के गुंडे द्वारा पीछा किया जाने के काव्य आकृति की गुम
सुद की शिकायत दर्ज कराने के लिए सिम्बा के पास जाती है। आकृति अस्पताल में घायल अवस्था में पाई जाती है। सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है जिससे वो टूट जाता है। पुलिस आकृति का फोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो महारत कर लेते हैं। वो दुर्वा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद है। अपने तरीकों के सुधारने और उन सभी को लड़ता है। सिम्बा अंततः अपनी पुलिस का वर्दी पहनता है और उसे इस बदलाव के देखकर मोहित अंततः उसे सलाम करता है क्योंकि वे सदा और गिरफ्तार करते हैं। वो वामन द्वारा उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे छनी गई जमीन वापस कर देता है। अदालत में सिम्बा आकृति का वीडियो डिलीट होने के दौरान जाती है और इससे दुर्गा के दोस्त कॉर्पोरेटिंग वेडिंग कमरून बिजनेस शर्मा की पिटाई की जिसने अदालत में गलत बयान दिया था जिसने कारण उसे निवृत्त कर दिया गया। वो जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाते हैं। वो उन दोनों को गोली मार देता है और ऐसा दिखाते हैं कि उसने आत्महत्या के कार्यों में उन्हें मार डाल। राज्य द्वारा एक SIT समिति के गठन किया जाता है जो सिम्बा को एनकाउंटर को सवाल उठाते हैं। स्थिति को स्पष्ट के उद्देश्यों से विनायक आकृति के मामले साथ ही सिम्बा के विवाद फर्स्ट मुठभेड़ के मारने के लिए एक तटस्थ अधिकारी के नियुक्त करता है और क्रोधित होकर दोबारा उसके गुंडे सिम्बा को पकड़ लेते हैं। अचानक ने DCP बाई इराजो के सिंह अजय देवगन उसे बचाने के लिए आता है और दोनों को दुर्बा और उसके लोगों ने पिटाई की। सिंघम सिम्बा को बचाते हैं और वो उसके मामले को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त तटस्थ अधिकारी है और बयान देता है कि सिम्बा ने आत्महत्या के कार्य में आसिफ और गौरव को मार डाला है। और उसके बाद वो दुर्बा की माँ को भारतीय शिक्षा सेवन की बर्गंदी को स्वर्ग दुबे की भर जाती है और वह आसिफ ने आकृति पर हमला था भाई ड्रग ने टेकर और कई वीडियो को चलाते हैं। मैं फिल्म देख खुद को मार डालूंगा लेकिन ये उतना बुरा नहीं था जिसमें मैंने चुना था। मैंने उसी सुनील गोबर से बहुत उम्मीद थी कि वो फिल्म को अधिकांश भाग में उस पर देखने हुआ। उसके झा ने फिल्म को 5/5 रेटिंग तेलिका काफ़ी बिड दी। एक अधूरे प्रोत्साहित असंसाहित के तहत है जो उसका था। ये भारत के सबसे बड़े भगौड़े और सबसे भरफेल पक्षपात के लिए भी मनोरंजन पत्र था। आकाश इसे हास्य स्पष्ट के गोद में कूदने के लिए और अधिक जगह की अनुमति दी गई होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने इसे 2.5 रेटिंग देते हुए लिखा कि इसे दाऊद इब्राहिम के कम के कहते हुए साहित्य प्रयास के इसने कई सहित नहीं है लेकिन क्या ये सफल प्रयास है मुश्किल है। Fallywood.com ने फिल्म को 2.5/5 रेटिंग देते हुए कहा कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल व्यक्तित्व के अंडरवर्ल्ड अपहरण के स्पष्ट रूप में गलत व्याख्या के अलावा CWD के डी संस्करण के सार और गहराई के अभाव में। हालांकि जाकिर हुसैन की भावना संतोषजनक है लेकिन चरित्र विकास चाहिए पर्याप्त रूप से सहसित है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के बारे में बहुत कम शोध किया गया। यदि आप लगभग 3 देशों की हिट सूची में शामिल किसी घुपिट जॉन के कुछ कठिन प्रश्नों पूछते हैं तो उसे डिकोड करने जा रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग और भावना को ठीक करने की आवश्यकता हो सुनाती है। सबसे बजाय निर्देशक विशाल मिश्रा दिखा दे कैसे उन्हें डी का मूल्यांकन करने का कोई दिलचस्पी नहीं है और कैसे वह गिरोह का राष्ट्रों को अपमानित करने का नफरत करते हैं। कर कोई मुई की फिल्म को 1.5 का रेटिंग देती और लिखा कि काफ़ी बीडी शर्ती से है लौटने योग्य है। इस पर अपना पैसा बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित बस ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए लिखा कि ये कैरन किरच के डी और उसके हरकतों खराब साउंड डिजाइनों के साथ काफ़ी बीट डी के अंत में कभी नहीं होगा। ये एक मज़ेदार फिल्म की शक्ति है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इसे 1.5 की 5 रेटिंग देती है और लिखा उसके बजाय कुछ को कैपुचिंग पर अपना पैसा खर्च करें और अपने मस्तिष्क की कोशिशों के बचाएं। Rediff.com ने भी इसे 1.5 की रेटिंग देते लिखा कि काफ़ी बीट डी की कथानक खराब नहीं है लेकिन ये बेहतर ऑन स्क्रीन अनुवाद के साथ काम करना है। जो बात फिल्म को निराश करते हैं वो इसके सैम को के खाली घर में खार बरपाया सुनील घर। जब सैम ने बच्ची को अपने घर में कुछ सामान के साथ देखा तो उसे अपने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के संदेह हो गया। इसमें मिट्टू को पकड़ लिया और उसके दम घोटकर मार डाला। कमल भागने में सफल होता लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सैम मिट्टू गला घोटकर मारने की कोशिश करता है तो वो चट्टान लेकर वापस आता है और सैम पर जोर से प्रहार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम खींचकर स्कूल मास्टर के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैम के रूप में श्वेता त्रिपाठी, छात्रा संध्या की पत्नी सुनीता के रूप में त्रिपाठी अंधकारी, अलग रूप में श्री अक्षर संध्या के पिता प्रेमिका, हमारा खोर के साउंडट्रैक के सिर्फ एक गाने शामिल है किदरे जवान जिसमें सेसफिल जजन ने संगीतबद्ध किया गया था जिसमें वोल आदित्य शर्मा लिखे थे। News 18 के जजिम मसद ने अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म का काफ़ी आयदा हुआ है जिसके दिल में ठोस प्रदर्शन है। ऐसा त्रिपाठी ने मुहित उपनेस युवा के किशोरी के रूप में अच्छी भारण में है जो उसे लागत विकल्प चुनने में मदद नहीं कर सकती है लेकिन ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक हिंसक शिकारी का शानदार ज़्यादा
रतन समझ जाने वाला चिकन मिल का सबसे बड़ा ध्येय ताकत है, तो उसे फिल्म के रोहित बंस ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर और मौलिक हरामखोर उतरे उस तोरण ने धार पर चलाती है, एक छोटी सी गलती और इसे नौकिक रूप से विकृति कहा जाता है। हालांकि हरामखोर एक ऐसी फिल्म है जिसे अपनी मिस नहीं करना चाहिए, भले ही भी सिर्फ ये देखना ही हिंदी सिनेमा की किस तरह कुशलता के साथ एक नए विषय की खोज कर रहे होते। और फिल्म को 5.5 रेटिंग दी और सुचित विजय ने इसने मयंक भारत का फिल्म को 10 में से 7 रेटिंग दी और भारणा को अभिनेताओं के प्रदर्शन के आकर्षित बताते हुए उनकी प्रशंसा की, लेकिन कहा कथानक के निरस होने के प्रवृत्ति होने के एक व्यवसाय की श्रृंखला में राहत ने कहा कि वो भारत वापस आए, वो यहाँ योगदान देना चाहते थे, उन्हें घर जैसा महसूस नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका बदले दिन विक्की के मंगेतर निवेदा निवी सिंह ने बीच खिखी समझौता होती और वो उस पर कायर होने के हिंसा को में शामिल होने के आरोप लगाते हैं। क्रोधित विक्की ने निवी को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे निवी के पिता ज्ञान सिंह जो भगवत राजनीति दल के नेता है, जब फोन आता है वो विक्की को चंदन से छुटकारा पाने की सलाह देता है। लेकिन विक्की का तर्क है कि चंदन विक्की को पिता के समय के उनके साथ ज्ञान सिंह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को बुलाता है और उसे चंदन का मारने के लिए कहता है।